हर काम के पीछे कोई ना कोई लॉजिक होता है, पर काम करने के समय चाहे वो आध्यात्मिक हो चाहे संसारिक हो, मन का शांत होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं एक मन शांत का व्यक्ति हूँ, तो मैं जो काम करता हूँ, मन शांत का एक मतलब और भी होता है कॉमन सेंस। तो जो कॉमन सेंस हो, एक नॉर्मल शांत मन हो, जब भी कोई कार्य करेगा वो एक यज्ञ का रूप धारण कर लेता है, यानी एक अभियान हो जाता है, देव शक्तियाँ का आह्वान होने लगता है, जिसे हम कहते हैं चमत्कारी शक्तियाँ। देव का मतलब होता है चमत्कारी, चमत्कार का मतलब कुछ भी ना होने लगा हो तो सब कुछ बनने लगे, चमत्कारी है ना। बिना कोई कार्य किए छोटा सा काम करते करते बड़ा होने लगे, वो चमत्कार हो जाता है। तो ये आपको मैं दिए दिखा रहा हूँ क्या कर रहा हूँ मैं। अभी दलजी कह रहा था कि गुरुजी मैं आपके साथ मदद कर रहा हूँ, मैंने कहा अभी तू मदद करेगा तो ये यज्ञ अधूरा रह जाएगा मेरा, क्योंकि इसमें बाती के साथ सब कुछ है पर शांत मन नहीं है आपका। आपके अंदर बहुत सी अपेक्षाएं होंगी, तो ये जो यज्ञ है यानी कोई भी कार्य है और जा तो ये आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ। अभी भी है ना, अमेरिका में भी था तो वहाँ पे मैंने वहाँ बैकयार्ड में कुछ बनाया था वुडन का, वो भी मैंने एक तरह से यज्ञ किया, यज्ञ कि मैं लगा रहा अपने लगन में, खाली था, समय नहीं फ्री था, तो दिमाग को अच्छा बनाए रखने के लिए बातें ही नहीं करना सारी होती, कुछ प्रैक्टिकली फिजिकली भी कोई टैलेंट भी होना चाहिए, टेक्निक भी होना चाहिए। तो वहाँ पे भी मैंने ऐसे कुछ किया तो उसका रिज़ल्ट बहुत ब्यूटीफुल आया, जो मुझे खुद भी नहीं पता था कि वो रिज़ल्ट इतना सुंदर होगा। मैं लग गया मैं शांत मन से, तब भी मैं देखो लगा हुआ हूँ शांत मन से, इसका रिज़ल्ट आगे क्या है आई डोंट नो, नहीं आई नो पता है मुझे। सो आप भी ये सीखो, है कुछ भी नहीं, मिट्टी का दिया है, बाती है, तेल है, ये कोई भी व्यक्ति ऐसे कर सकता है, हजारों लाखों रुपए भी खर्च सकते हैं, सोने का दिया भी, पर ऊपर नहीं पहुंचेगा। आप करोगे ये रस्म आपकी आकाश मंडल तक नहीं पहुंचेगी, हम करेंगे तो पहुंचेगी। ये हमारे शांत मन का अहंकार है, ईगो। आप भी कर लो अपना मन शांत, ईगो करना कोई बुरी बात नहीं। अशांत मन से जो ईगो करता है इंसान, तो वो मरने मारने की बातें करता है। वो शांत मन का जो अहंकार होता है वो प्रेरणा देता है लोगों को, हालात स्वीकार करने की प्रेरणा देता है, जिसे हम कहते हैं पेशेंस, ठहराव। ओके, अभी मैं ऐसे रखे जा रहा हूँ, बाद में इसको हम देखेंगे क्या बनता है, कुछ ना कुछ करेंगे। अभी एक ही जगह बैठ के कर सकता हूँ ना, मैं इसे हिलूँगा, ये काम एक ही जगह बैठ के होना है। आज समय तो नहीं है मेरे पास, कभी अभी चंडीगढ़ से भी आना, सब आ रहे, दीपावली है ये आज, मुझे बताना मैं भूल गया आपको, किसी ने भी लगा हुआ हूँ दीपावली है। तो मैं आज घर पर ही था आश्रम में, आगे तो होता नहीं कभी, मैं था नहीं, आज बहुत सालों बाद मैं आश्रम में ही हूँ। ये इंडिया में 64 ओल्ड ज्वार नगर, माय होम, माय आश्रम, आश्रम माय होम,
माई कुटीर। तो ये मैं पहली बार नहीं कर रहा हूँ, पहले भी मैं हर साल करता हूँ, अगर मैं जहाँ हूँ ना भी हूँ तो मैंने बच्चों को ट्रेनिंग दे रखी है अपने फैमिली को कि भाई कुछ ना कुछ कर लिया करो। यहाँ ये छोटी सी यज्ञशाला है, इसको दिखाओ जरा, यज्ञशाला हमारी। ये जो यज्ञशाला ना मैंने अपने हाथ से बनाई थी, पहले मैंने ये बनाई थी वो लकड़ी से, बांस वगैरह जैसे वैदिक बनती है ना, जंगलों में बनाई करते हैं ना भाई, वैसे ही बनाई थी। फिर उसके बाद मैंने फिर इसको आयरन से बनाया, लोहे से बनाया, वो भी मैंने हाथ से बनाई है, जो सब वेल्डिंग तक भी मैंने ही समझ लो अपने आप ही किया सब। क्योंकि संत महात्मा से पहले मैं एक अच्छा टेक्नीशियन था, एक हार्ड वर्कर था, वो अभी भी मेरे अंदर सब कुछ है, कहीं गया नहीं। तो वैसे मैं काम करते बातें नहीं करता होता, काम के समय काम, पता नहीं अंदर से चल रही है बात। मैंने कहा चलो आपसे भी डिस्कस कर लेते हैं इस बातों का, क्या पता कल तुम महात्मा बनना हो। पर आप महात्मा बनोगे तो आप कोई नया सब्जेक्ट लेके आओगे, हर महात्मा कोई ना कोई नया सब्जेक्ट लेके आता है, उसका अपनी थीम होता है, अपनी वे होती है, अपनी दुनिया होती है। उसे जब महात्मा बनता है तो ईश्वर ने कुछ सोच रखा होता है उसके लिए कि तुम जब मन शांत होगा तो ये काम करना है, दुनिया को ये दिखाना है, वो दिखाना है। तो फिर भी चलो थोड़ी सी हेल्प मिल जाती है, चाहिए तो नहीं महात्मा बनने के लिए ना किसी को हेल्प नहीं लेनी चाहिए। मैं तो कहूँ किसी वेद या किसी ग्रंथ का भी सहारा नहीं लेना चाहिए महात्मा बनने के लिए, यानी कोई नया अभियान, यानी हिस्ट्री की तरफ नहीं जाना चाहिए। जब हिस्ट्री की तरफ जाओगे तो तुम जो अपना अनुभव है, जहाँ कोई थीम है, उसमें थोड़ी गड़बड़ हो जाएगी। यानी कुदरत के जितने भी रहस्य हैं खुद ही छीनो, ढूंढो, किसी का अनुभव नहीं लेना चाहिए अगर आपने कोई अभियान बनना है। अगर कोई टीचर बनना है, या कोई पिता बनना है, बाप बनना है, या कोई फैमिली में ही जीवन जीना है, यानी चंद रिश्तेदारों के लिए, फिर ओके, फिर सब किताबों में से सब कुछ मिल जाता है। अगर आपने कोई नई दुनिया बसानी है तो फिर उसके लिए कोई हिस्ट्री की किताबें पढ़ना तुम्हारी काबिलियत को छोटा कर देगी, तुम फिर वहाँ पहुँच नहीं पाओगे, फिर उसी हिस्ट्री के साथ ही जुड़ते जाओगे, अपने आप को पीछे लेते जाओगे। मेरी कामयाबी का कुछ ये भी कारण है कि मैं हिस्ट्री इसलिए नहीं जान पाया क्योंकि मुझे पढ़ना ही नहीं आता था। ये कुदरत का ही है, कृष्णा, अगर मुझे पढ़ना आता तो मैं पक्की बात है कोई ना कोई किताब पढ़ता, अगर किताब पढ़ता तो फिर मैं उनको भी साथ अपने अनुभव के साथ तालमेल लगाता, शायद हेल्प लेता उनसे। तो एक हेल्प ही होती है ना हिस्ट्री की बातों, जो इतिहास से जो बीता हुआ है वो अपने अनुभव के साथ, वो एक हिस्ट्री होती है। फिर शायद 100% आज जो मेरा मनोमंडल है, जहाँ मेरी थीम है, जहाँ मेरा दिमाग है, जहाँ मेरी मेमोरी है, जहाँ मैं जो कर रहा हूँ, शायद मैं आपको दिखा तो नहीं सकता, बता भी नहीं सकता, पर मुझे पता है कुछ चीज़ें ना बताई जा सकती है ना दिखाई जा सकती है, पर एक समय आने पर दिखेगी भी आपको, दिखेगी भी सुनेगी भी। मैं ना दिखा सकता हूँ ना आपको बता सकता हूँ, ना मैं बताऊँगा ना मैं दिखाऊँगा, फिर भी आपको दिखेगी भी और आप ये भी जादू है ना। एक एक दिया, एक एक बाती, इसको हम अपने हाथों से, मेरे अंदर वो चल रहा है, सब बातें मैं आपसे कर रहा हूँ, पर मैं हूँ कहीं और हूँ, मैं अपने अंदर ही भीतर ही।
समय हो गया संगत के आने, सबके आने का। देखता हूँ कितने कर सकता हूँ, फिर मैं बाकी सब संगत चले जाएगी शाम के समय, यही सब दीन बाला होगी, तो फिर दोबारा फिर बैठूंगा इस जगह पे। अभी मुझे बनना सवरना है, सब आने हैं, तो थोड़ा मेकअप करूंगा, ड्रेसअप हो जाऊंगा। अभी पगड़ी मेरी ढीली है, तो जैसे वो आ जाएंगे, अभी आना है, समय है उनका, है ना जी? हैं जी, समय है। कितना कितने समय में आ जाएंगे वो संगत आ रहे हैं? सवा नौ। कोई नहीं, आने दो बस, उन जब वो बैठे होंगे मैं अंदर सज लूंगा। ओ कोई बात नहीं, को पता अपनी संतों की मौज है, शायद मैं ऐसे बैठ जाऊँ। पर नहीं, ऐसे नहीं, मेकअप तो मैं जरूर करूँगा, मेकअप तो महात्मा मैं जरूर बन गया। दरअसल मैं नहीं चाहता कि, एक बात आपको बताऊं, जिससे भी तुम्हें इश्क हो जाए, यानी गुरु महात्मा या कोई टीचर या कोई भी कलाकार आर्टिस्ट, अगर अंदरूनी आप अटैच हो जाओ तो वो व्यक्ति कैसा है आप भी वैसे ही। मान लो वो फैमिली वाला नहीं, उसके पास बीवी नहीं, बच्चे नहीं, शादी नहीं उसने की, कुछ नहीं किया, अगर तुम उसकी मर्जी हो जाए, उनके साथ अटैचमेंट हो जाए, तुम्हारी भी शादी नहीं होगी तुम्हारे भी बच्चे नहीं होंगे, अगर होंगे ये भी है। देखो मैं एक बात देता हूँ आपको, जो मेरे पास है वही मैं आपको दे सकता हूँ, जो चीज़ मेरे पास नहीं मैं आपको कैसे दे सकता हूँ। मान लो मैंने आपको खुश करना है, पहले मैं खुश हूँ तभी मैं आपको खुशी दे सकता हूँ। तकरीबन पेरेंट्स यही कहते हैं कि मैंने अपने फैमिली को खुश करना है, मम्मी को खुश करना है, पहले देखो सी आप खुश आप हो, जो चीज़ तुम्हारे पास नहीं तुम किसी को कैसे दे सकते हो, पहले खुद खुशी होनी चाहिए तुम्हारे पास, तो मेरे पास है। अच्छा रही बात तंदुरुस्ती, तंदुरुस्ती भी मैं हूँ, मैं तंदुरुस्ती भी दे सकता हूँ, अगर मेरे पास तंदुरुस्ती नहीं तो मैं आपको तंदुरुस्ती नहीं दे सकता, तंदुरुस्ती भी है मेरे पास, फिर तो मैं हूँ, तो मैं बुढ़ा ही पर फिर भी देख लो मैं बैठा हूँ, बैकबोन मेरी सीधी है, दिख रहा है ना सो आप जैसे व्यक्ति के साथ अटैच हो जाओगे जहाँ तुम्हें वो भा जाएगा, तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज, तुम्हारा फैमिली रिलेशन, तुम्हारी थिंकिंग, तुम्हारी अपनी सोल जो आत्मा है वो भी वैसा ही कर। एक लड़का किसी का, अभी दिल्ली में से आया मैं, तो लड़का ना अमेरिका में पढ़ता था, तो अच्छी एजुकेशन पाने के बाद शायद इंजीनियर, टॉप इंजीनियर। अभी मुझे पता था, उन्होंने बताया कि वो जहाँ मथुरा वृंदावन में महात्मा बन गया, तो उम्र है उस बंदे की, अभी उसने बताया कि 31 की हो गया, तो पेरेंट्स गए होंगे मिलने, तो शायद उनसे साथ, उन पेरेंट्स ने तो अपना बच्चा ही समझना है, पर वो बच्चा नहीं रहा, महात्मा बन गया। इसके पीछे जान बात क्यों कर रहा हूँ मैं, तो फिर वो मुझे इस पास आ गया अरदास लेके कि गुरुजी ऐसे 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 है। तो मैंने कहा भाई चलो, कहते हम जाते हैं, हमें बुलाता नहीं ऐसा ऐसा से। मैंने कहा शादी भी नहीं, मैंने कहा शादी तो अब वो करेगा नहीं, ऐसा ऐसा। मैंने कहा उसका गुरु ने शादी किया, कहते नहीं, तो मैंने कहा वो भी नहीं करेगा जैसा उस जिसके साथ उसकी अटैचमेंट है, वो सोसाइटी कैसी है वो वैसे ही रहेगा। तो कहने लगा बाबा जी वो जहाँ है ना वहाँ पर जितने भी लोग हैं सब ऐसे ही हैं, उन्होंने घर बार छोड़कर कोई शादी नहीं की, कोई बच्चे नहीं हैं, ऐसा ऐसा कोई परिवार नहीं है, तो मैंने कहा बस वो भी ऐसे रहेगा। जानते हो मैं भी एक महात्मा हूँ, मेरे पास पूरी फैमिली है, तो मेरे जितने भी कोई जो मुझसे इश्क करते हैं उनके पास भी फैमिली है, ये भी अटल चीज है कि जिसके पास खुद के पास फैमिली सुख नहीं वो किसी को कैसे दे सकता है। तो बिना फैमिली सुख पाए तुम
किसी को टीच नहीं कर सकते, यानी लिविंग स्टाइल नहीं सिखा सकते। चलो वैसे तो किताबों में लिखा बहुत कुछ पढ़ लो, कोई बात नहीं, दुनिया लिख के मर गई पढ़ लो। अगर कोई आप कहो कि लाइव फेस टू फेस कोई तुम्हें अपना, वो तो तभी हो सकता है। जिसके पास खुद के पास जो चीज़ नहीं, वो किसी को कैसे दे सकता है। तो आप भी एक बात को जान लो, जिसकी भी आप आराधना करते हो, अगर शिव की आराधना करते हो, उसके पास बीवी थी बच्चे थे, तो आपको भी मिलेंगे। अगर उसके पास ये सब कुछ नहीं, तो आपको चाहे माथा टेको कुछ भी कर लो, वो है नहीं, वो दे नहीं सकता। यानी संतुष्ट हो जाओगे आप कि हमें इस चीज़ों की जरूरत ही नहीं, वो संतुष्टि नहीं होती, हमें इन चीज़ों की जरूरत नहीं, वो संतुष्टि नहीं है। हो सकता है वो वीकनेस हो, संतुष्टि होती है सब कुछ हमारे पास हो फिर भी हम उसे इस्तेमाल ना करें, उसके लिए कोई किसी को ब्लैकमेल ना करें, किसी को मिसयूज ना करें। सब कुछ है मेरे पास, रिवॉल्वर भी है, बंदूक भी है, मिसाइल भी है, सब कुछ है, फिर भी मैं ना चलाऊं, चाहे मेरे सर पर कोई तलवार भी लटकी हो, तब भी मैं उसे इस्तेमाल ना करूं, उसे संतुष्टि कहते हैं। अगर आने पर चलानी पड़ गई तो फिर व्यक्ति बन गए हम। मैं निरंकार का ज्ञान तकता हूं, तुम्हारे और मेरे बीच निराकार है, तुम्हें मेरे तक पहुंचने से पहले इस निरंकार से फाइट करनी होगी, यही नहीं तुम्हें मुझ तक पहुंचने देगा। अगर पहुंच गया तो जरूर मेरे में कोई कमी होगी, निरंकार में नहीं, मेरे में, या मेरी प्लानिंग में, मेरे मैप में, दिमाग का जो मैप बनाया है मैंने, भविष्य में मैं ये करूँगा वो करूँगा, शायद टू मच ज़्यादा कर दिया मैंने, एनर्जी लास्ट हो रही है समझ लो। कभी कभी ऐसा भी होता है, ये नहीं कि जरूरी नहीं कि मैं महात्मा बन गया तो मैं कोई जैसे कोई व्यक्ति कह रहा है कि मैं ये जो ज्ञान है सारे संसार में बांटूंगा, घर घर बांटूंगा, ये भी उसकी एनर्जी है। तो मैंने कभी मैं नहीं बांटूंगा, मैं तो चंद लोगों को ही बांटूंगा। अगर सारी दुनिया अमीर हो जाएगी तो हमारे बर्तन कौन साफ करेगा, ऐसा नहीं हो सकता। जो चीज़ हो नहीं सकती उसकी कल्पना करना भी कोई बुद्धिमत्ता नहीं, कन्फ्यूज़ करना है दूसरे को, भगवान को भी कन्फ्यूज़ करना कि ये सब चीज़ें ईश्वर ने बनाई है इसीलिए बनाई है, ये व्यक्ति काम कर रहा है, अगर इसके पास लाखों करोड़ों रुपए हों इसको क्या जरूरत थी मेरे सामने ये मशीन लेके बैठने ये ऑर्डर कर रहा होता कहीं, इसको गरीब इसलिए रखा है कि ये मेरा काम करे उसका काम करे। हर व्यक्ति को परमात्मा ने, सारी दुनिया को मैं ज्ञान नहीं बांटूंगा, मैं चंद लोगों को कैप्टन बनाऊंगा, कैप्टन। अगर सारी दुनिया कैप्टन बन जाएगी तो फिर फौज कौन होगी, लड़ेगा कौन। मैं 100 लोगों को कैप्टन बना दूंगा, फिर 100 लोग 1000 लोगों को कमांड देंगे। कैप्टन का मतलब ये नहीं कि मैं उनको अपने साथ जोड़ लूंगा अपनी, जैसे वो अपना अपना जहाँ भी जाएं, जैसे मैं भी तो कमांड कैप्टन बना हुआ हूँ, जो 2-4 लोग हैं मेरे इशारे पर नाचते हैं, काम करते हैं, वर्क करते हैं। तो आप लोगों को जब मैं कैप्टन बनाऊँगा, आप लोग भी कोई ना कोई तो तुम्हारी उंगलियों के इशारे पर नाचेगा ही ना, अगर तुम अपने मन तक पहुँच पाए, शांत कर पाए, अपनी सोल तक पहुँच पाए, अपनी आत्मा तक पहुँच पाए। सो तुम्हारा जैसी सोसाइटी है, जैसे तुम्हारे, यानी सोसाइटी मीनिंग गुरु मास्टर, किससे प्रेरित हो आप, किसने तुम्हें प्रेरित किया, किसके प्रति तुम आकर्षित हो गया, क्या बात है। अच्छा मैं बताऊं, मेरा जो गुरु है उसके पास भी फैमिली नहीं है पर मैं पता नहीं क्या होगा ये बात, जहाँ आगे गड़बड़ हो गई कुछ कुछ बातें सीक्रेट है, मैं वो शेयर नहीं करना चाहता। हर बात शेयर करना भी उस बात का महानता, उस बात की महानता खत्म हो जाती है। पर
मेरा गुरु भी फैमिली से बाहर है, कोई फैमिली नहीं, पर मैं अपने गुरु के इंटरली अटैच रहा, फिजिकली रिलेशन में अटैच रहा। जानी मैंने नॉलेज वगैरह शायद भीतर से ही आई, तो मैं अपने काम में लगा रहा। धारण मैं जरूर किया, प्रेरित हुआ था, मैं उनके कुछ अंदाज देखे थे, अंदाज मुझे बहुत अच्छे लगे, तो मैंने कहा यार हम भी कभी ऐसे बन सकते हैं। मुझे लगता मैं उनसे ज़्यादा ही बढ़िया बन गया। मुझे ये बात बोलने में बिल्कुल कन्फ्यूजिंग नहीं, डाउट नहीं होता कि यार ये क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं अपने अंदर देख रहा हूँ, मेरा मन खिला हुआ है, कोई कन्फ्यूजिंग नहीं, कोई दुविधा नहीं। बस अब वो लड़का जो दिल्ली का है, उसका पिता कह रहा है जी कोई रास्ता बताओ कि गुरुजी, तो मैंने कहा भी पैसे लगेंगे। मैं कहा वो मुफ्त में नहीं मिलेगा पुत्र, मैं अपने दिमाग में ठान लो उस बच्चे की कीमत रखो, ये परमात्मा वो बच्चा मुझे दे दे, उसके लिए मैं अपनी जीवन का ये हिस्सा पूरी लाइफ डोनेट करूँगा। कारण क्या कि वो बच्चा तुम्हारा क्यों चला गया वहाँ, एजुकेटेड होने के बावजूद भी इंजीनियरिंग भी कर ली, अमेरिका में सेटल भी हो गया, इसका मतलब तुम्हारे पेरेंट्स ने या बाप दादा या तुम्हारी बीवी ने या पति ने कहीं ना कहीं किसी महापुरुष की मदद ली होगी, उसके बाद उसका ऋण ही उतारा, तो फिर वो तुम्हारा बच्चा ही ले गया। शायद मुझे लगता है, जो लगता नहीं होगा ऐसा ही है, मैं महात्मा बन गया, मैं अपनी किसी फैमिली के काम नहीं आया, ना अपनी माँ के काम आया, ना अपने भाइयों के काम आया। मुझे लगता है कि शायद मेरे भी बुजुर्गों ने कोई ऐसा किसी महापुरुष या किसी देवता का हिस्सा भूल गए देना, तो उसने कहा ठीक है तो ये मुझे दे दो, अब मैं उसी के काम कर रहा हूँ। तो उस लड़के का भी कुछ ऐसा ही होगा कि उनके पेरेंट्स ने, क्योंकि आजकल ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, इतनी अर्जित एनर्जी तो हो नहीं किसी पास, अगर किसी का बच्चा 2 महीने लेट हो गया, पैदा नहीं हुआ, साल हो गया, मेरे बच्चा नहीं हुआ, 2 साल हो गया, 4 साल हो गया, अरे 6 साल से हमारे को औलाद नहीं है, तो फिर वो हर जगह माथा टेकने लगते हैं, भगवान मुझे बेटा दे दो, भगवान मुझे देता, मैं ये करूँगा। जब हो जाता तो भूल जाते हैं कि यार हमने किसी से आशीर्वाद मांगा था, किसी से हमने, तो शायद किसी का आशीर्वाद लिया हुआ होगा, तो जब बेटा मिल गया फिर उसके बाद थैंक यू नाम की कोई चीज़ें नहीं, तो वो दोबारा बोलेगा तो है नहीं कि मुझे दो भाई तुमने कहा था, वो बिजनेस तो किया नहीं उसने, पर वो जो चीज़ दी थी उसने वापस ले ली, पहले वो तप के रूप में गई थी, अब शरीर समेत वापस आ गई उसके पास। तो आप भी कभी ये हंसी मजाक में भी ना ऐसे नहीं अरदास कर दिया करो कि अरे भगवान मुझे ये दे दो वो दे दो, और तो मैं ज़्यादा होता है ये मांग लेना बाद में भूल जाना कि अरे अभी भी एक औरत ने, ज़्यादातर मुझे बहुत से केस हैं, मैं सुनाना नहीं चाहता, औरतों में ये खाबी होती बहुत जल्दी, वो कमिटमेंट करने के बाद थोड़े देर बाद पलट जाती है। अभी अभी लेटेस्ट एक अनुभव हुआ मुझे, कोई चीज़ थी ली किसी ने, बाहर की बात फौरन की है, तो किसी ने क्या भाई आश्रम में वो चीज़ है आप दे दोगे, वो कहती लड़की कहा हाँ मैं दे दूँगी, तो मैं अभी जा रही हूँ कहीं, तो मैं वापस आके ऐसे से, अच्छी है लेडीज पैसे वाले थे, भगत भी है मैं देखा उनको, शायद पूजा पाठ करने वाले हैं। फिर 10-15 दिन बाद जब वो लेडीज़ आई, तो फिर उस लड़के ने कहा भी वो जो कहते हैं वो जो भट्टी नहीं होती खाना बनाने वाली भट्टी, वो भट्टी लेनी थी वहाँ पर, तो उसने कहा वो भट्टी मैं ले दूँगी, इतने की पैसे बता दिए, सब कुछ बता दिए, फाइनल हो गया। वो भट्टी उस लड़के ने
ऑर्डर देकर मंगवा ली। अब जब पैसे की बारी, 10 दिन के अंदर अंदर ही वो औरत एकदम से घूम गई। अब उस लड़के ने तो वो मंगवा ली थी, सब कुछ था, उसको पैसे भी उसने खुद ही देने पड़े। चलो वो तो मिल जाएंगे, उसको फल मिलेगा, उसने लगाया तो उसी को मिलेगा। पर उस वो जो औरत है वो तो अपनी फैमिली में कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर लिया ना उसने, ये उसको पता ही नहीं। अब उसको भी नहीं पता होगा कि अरे कहाँ मुझसे भूल हुई है। उसने क्या किया, वो चीज़ जो थी मान लो वो चीज़ थी 1000 रुपये की, 1000 रुपये की उसने 100 रुपया दिया, उसने अपने लिए डील पूरी कर दी। उसे ये नहीं पता भाई जो तुमने क्विट में की थी वो पूरी करनी होगी। अब वो भूल गई, अब उसके पति को तो पता नहीं मेरी बीवी ने क्या करतूत की है, उसको पता थोड़ी बीवी पति को। तो पति के कह अरे मेरा बेटा ऐसा हो गया, अरे मेरे घर में ये हो गया, अब रोएगा। एक्चुअली उसे खुद नहीं पता कि तुम्हारी बीवी ने ये बात करके आई थी, उसके बाद ये किया। वो बता भी गई नहीं, पता भी लग जाए। और ऐसे ये सब चीज़ें मुझे लगता है मेरी फैमिली में भी हुई होगी, तभी मैं ये देखो लगा हुआ। मैं बहुत अच्छा टेक्नीशियन हूँ पर लगा देखो मैं क्या कर रहा हूँ, बीओ में पत्तियाँ डालूँ तेल डालकर। ये है कुदरत, चेहर तेरा वो छीन ले छन में, परले आ जाए तेरे कर्मों के पल में। एक पल में वो जहर छीन लेता जब उसकी नज़र पड़ती है, जिनमें मैं जिंदा हूँ, ये डायलॉग में मैं जिंदा हूँ। बातें ज़्यादा तो नहीं हो गई, अभी कोई आया नहीं, मैंने कहा चलो तब तक आपसे ही बातचीत कर देते हैं। ये पहली बार है, मैं काम भी कर रहा हूँ बात भी कर रहा हूँ। ये तो मेरे से काम होता तो मेरी जवान नहीं चलती आज दोनों, लगता है कोई परमात्मा ने कुछ मुझे थोड़ी सी एनर्जी और दे दी कि दोनों काम भी कर लो। ये जो मैं काम करने आता था मैं गंभीर हो जाता था काम करते समय, बस मेरी जीबा ऊपर लग जाती थी ट्रक एकदम। अब शिवरात्रि भी मैं ऐसे करता हूँ, पहले शिवरात्रि करते थे हजारों लोग काम करते थे शिवरात्रि पर, अब मैं सिर्फ अकेला ही काम करता हूँ। यहीं बैठकर सुबह 9 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक माला बनानी लगानी ये करनी वो सब अपने ही मन शांत से। अभी थोड़े दिनों पहले मैंने वो बच्चों ने यहाँ कैमरे कुमरे लगाए होंगे जैसे अब भी है ना, तो मुझे तो पता नहीं था। कल पर थोड़े दिन ही पहले मैं आश्रम में दूसरे गया था तो वहाँ मुझे वीडियो दिखाई लाइव, वो रिकॉर्ड हुई भी, मुझे बहुत ब्यूटीफुल लगी। मुझे नहीं पता था वो ऐसी बनी होगी, तो मैंने उनको कहा यार मुझे भी दिखाओ उसको अच्छी तरह, वो लाइव रिकॉर्ड हुई हुई है, ऐसे मैं सजा रहा हूँ सब। उसमें थोड़ी सी बात ही की थी तब मैंने, फिर उसके बाद सारा दिन मूड में रहा। लोग सोचते कि पता नहीं जो लाइव चल रही थी कि बाबा जी की आवाज़ नहीं आ रही, एक्चुअली आवाज़ नहीं, मैं बोला ही नहीं। उसके बाद 10 मिनट बात की, उसके बाद मैं बस घुग्गू बन गया, बस चुप, जीवा मेरी फिट हो गई ऊपर। फिर मैं बस सर गिरा के काम पे लगा रहा सुबह से लेकर शाम तक महाशिवरात्रि के लिए, उसकी हर काम अपने हाथों से करना, मूर्तियाँ बनाना, हवन कुंड को तैयार करना, सामग्री तैयार करना। एक्चुअली ना पहले भी शायद मैं पिछली शिवरात्रि में बताई रहते थे, सब पहले से चीज़ें होती सब अंदर बंदे इंसान के अंदर, ये नहीं कि कुछ सीखता है पहले से होते। देखो कोई गाना गाता है इंसान, उसके अंदर संगीत होगा तभी वो गाना गाएगा, सीखने से नहीं। सीख ले जितना चाहे, जिसके मैं जो गाना नहीं आता मेरे अंदर संगीत है ही नहीं, मुझे जितने चाहे मेरे सोसाइटी को तानसेन भी आ जाए मैं गा ही नहीं सकता क्योंकि मेरे अंदर संगीत है ही नहीं। संगीत इसी तरह ज्ञान भी है, जो नॉलेज भी है वो भी अंदर पहले से होती है। मेरे अंदर भी जो था ये बचपन से था, जैसे आम का पेड़ जब पौधा होता है उसको क्या पता मैंने आम लगने हैं, उसको पता थोड़ी होता है, पर एक समय आने पर लगने लगते हैं। तो ये थोड़ी कहेगा ये काबिलियत मुझ में अब आई है, तो बचपन से थी। इसी तरह मेरे वेद में भी जो था, जो भी मैंने आज तक ज़िंदगी में किया होगा, वो आज जो मैं कर रहा हूँ मेरे में पैदा होते ही ईश्वर ने निरंकार ने फिट किया हुआ है। इसके लिए कोई एक्स्ट्रा जग वगैरह नहीं हुआ कुछ भी, मैं किसी जग को नहीं देता महानता, पहले से था। समय आने पर अपने आप अंकुर फूटने लगे,
फूल आने लगे, फल भी आ गया। इसके लिए कोई यज्ञ नहीं किया हमने, कुछ नहीं किया, बस सब ऑटोमेटिक। हाँ, अब यह है कि उसको मैं कुदरत की रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के काम करता हूँ। ये जो चीज़ कुदरत ने मेरे ये शाखाओं पे लगाई है, तो अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसको मैं चलने फिरने वाला पेड़ हूँ, सर्व भी खुद ही करूँगा मैं अपने हाथों से, मिसयूज ना हो जाए। तो मैं अपने आप को सोड़ के रखता हूँ कि मैं रात दिन रातों रात मैं सारी दुनिया में ये कर दूँगा वो कर दूँगा, मुझे कोई जल्दी नहीं। जितने लोगों के लिए मैं कुछ कर पाऊँ बस समझ लो मैं कामयाब। अगर एक व्यक्ति को आप कैप्टन बना दो तो कम से कम 300 लोगों को कमांड दे सकता है, नहीं? अगर 1000 व्यक्ति को कमांडर बना दिया जाए बस बहुत है, फिर उसके बाद वो आगे चलता जाएगा। मैं सोचूं कि सारी दुनिया को कमांडो बना दूं, यार ये कैसे हो सकता भाई, ये मेरे मैथ में है नहीं कि सारे घर घर में ये ज्ञान बांटूंगा, घर घर में ये ज्ञान दूंगा, कोई भी इससे वंचित नहीं रहेगा, ये मेरे में नहीं है भाई। आप मुझे देखते रहो, बोर भी नहीं होंगे आप, बेफिक्र हो। हाँ, ऐसे देखते जाओ, चाहे मैं कुछ भी कर रहा हूँ और दिलचस्पी आपकी बनी रहेगी क्योंकि मैं बोर नहीं हो रहा हूँ, तो मेरे ही वेव्स आप तक पहुँचेंगे कि नहीं, मैं एंजॉय कर रहा हूँ, तो आप भी मुझे देखते जाओ एंजॉय करोगे, आपके मनोमंडल पर इसका असर होगा। देखो आप कितनी दूर बैठे हो, मैं यहाँ हूँ, पर लगेगा कि नो फेस टू फेस, ये टच होगा आपके सोल पर, आपकी आत्मा पर, ये मेरी मूवमेंट महसूस करोगे आप। ये जादू है शांत मन का पुत्र, और कुछ नहीं है। तो आप लोग भी ग्रस्त जीवन जियो पर मन शांत के साथ, और मन शांत अपनी पूजा करने से ही होगा। आज मैं देखो बड़े बड़े डायलॉग बोल रहा हूँ, मुझे यूं नहीं मैंने बोलने शुरू किए, बहुत लंबा सफ़र तय किया मैंने, बहुत बहुत कुछ गड़बड़ गड़बड़ हुआ, पर मज़ा आया। मज़ा इसलिए आया क्योंकि मन शांत हो गया था। अगर मन शांत ना होता तो मैंने खड़क निकाल लेनी थी पहले मैं इनको ठीक कर लूँ तो फिर का तो मज़ा ना था। बस वो मन शांत होने के कारण मैंने अपनी अस्त्र शस्त्र चलाए ही नहीं, चलाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, तभी मैं अस्त्रों शस्त्रों की पूजा नहीं करता। अस्त्र शस्त्रों की पूजा हम क्यों करें, जिसके पास मन शांत है उससे बड़ा अस्त्र शस्त्र कोई नहीं। एक बात है, कोई मुझे मारने भी आ जाए मैं अपनी आत्मरक्षा कभी नहीं करूँगा। ये डायलॉग बोल भी कि हम आत्मरक्षा तो करनी पड़ेगी, नहीं, मेरे पास शांत मन है, वही मेरा अस्त्र शस्त्र है। अगर उसका असर है तो सामने वाले खड़क वाले व्यक्ति पर जरूर उसका असर होगा, अगर नहीं होगा तो इसका मतलब मेरा मन शांत नहीं है, मैं कन्फ्यूज़ हूँ, मैं कहीं खोया हुआ हूँ, गलत फहमी का शिकार, ये मैं अनुभव कर रहा हूँ। तो कभी मैं परमात्मा ट्राई कर लेना, मैं नहीं करूँगा, कोई बात नहीं। सो मैंने शांत मन का आश्रय देखा है। निराकार को तुम जानते हैं, ये तुम्हारे और मेरे ये सब निराकार है, पर इसके पास शरीर नहीं है, वही निराकार के हम अंश हैं, पर मेरे पास शरीर है, मैं इस निराकार से ज़्यादा महान हुआ क्योंकि मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ सर्दी गर्मी को, अपने नियर डियरों की टांच से, अपनी फैमिली में रहकर भी बहुत हाई लेवल पे इज्जत हो जाता हूँ। तो ये जो निराकार, इसके पास तो कुछ भी नहीं है, ना शरीर है, ना बीवी है, ना बच्चे है, ना नियर है, ना डियर है, इसे क्या, इसकी इज्जत क्या, बेइज्जती क्या, बेइज्जती होती शरीर में रहकर, जब इंसान के अंदर शरीर होता है तब वो बेइज्जत होता है, टॉर्चर भी होता है, चोट भी लगती है। इस निराकार के पास तो कुछ भी नहीं है,
इसको चाहे तुम गालियां दे दो, बेइज्जत कर दो, जी वैसे का वैसा ही है। इसलिए हम इससे ज़्यादा महान हैं, क्योंकि हम हालातों को बर्दाश्त करते हैं, इस शरीर पर उसको सहन करते हैं। हाँ, अगर सहन करते करते ब्लास्ट हो जाएं तो हम हार गए, हम नाकाम हो गए। बस यही है प्रैक्टिस, अपने इंद्रियों को शांत रखने की प्रैक्टिस। एक पल में नहीं हुआ, मैं बहुत बार फेल हुआ हूँ, पर मैं लगा रहा, पर आज मैं पहुँच गया। सर मैं बताए कह ही सकता हूँ पहुँच गया, पर कहाँ पहुँच गया आपको भी मेरी तरह बनना होगा, क्योंकि संत की भाषा संत ही जाने, वो नहीं जान सकता। संत बन के जाना जा सकता, संत कैसे कहते हैं। ये पगड़ी भी मेरी लूज हो गई, ढीली हो गई है। दस मिनट हैं हमारे पास और फिर हम बदलाव करेंगे अपने आप को, क्योंकि 10 बजे का समय है। चलो, मैंने कहा तब तक आपसे बातचीत कर लेते साथ साथ, कुछ रहती थी पीछे वाली बातें। शांत इंद्रियों को मतलब मन को शांत करने से, ऐसा नहीं कि आप कुछ जंगली जीवन जियोगे, जैसे मैंने ये धोती पहनी है, ऐसी माला पहनी है, ये जरूरत भी नहीं है इसकी। ये तो फिर, क्योंकि इंसान जो है वो चाहता है, उसकी श्रद्धा ऐसी भूमि यूनिफॉर्म में है, वो नहीं चाहता कि मैं कोई जैसे संसारिक यूनिफॉर्म पहनूं। एक्चुअली दूसरों की भावना को ठेस ना पहुंचने के लिए मैं अपने आप को ऐसे रखता हूँ कि ठेस पहुंचेगी, मैंने भावना तो बना दी किसी की। मान लो अभी कोई आया महात्मा, कोई लोग आए मेरे पास, मैं ऐसे पोनी घूम, आधे घंटे बाद मैं बंद सब्र के सिर पर टोपी लगा लूँ, टाई शाई लगा लूँ, कोट पैंट डालूँ, बंद सब्र के निकलूँ, सामने वाले की भावना पर ठेस पहुँचेगी। वो पाप के भागीदार पर तुम हो, क्योंकि उस व्यक्ति को क्या पता। तो इसलिए भीतर से मैं एक व्यक्ति ही हूँ, 100% व्यक्ति, और फिजिकली ये शरीर है ना, पर मेरा इंद्रिय भी सेम, पर मन सेम नहीं। मन मेरा आपसे डिफरेंट है, मन मेरा खिला हुआ है, मन में कोई कंफ्यूजिंग आती ही नहीं, ना मन में ना दिमाग में। ये दो चीज़ें डिफरेंट है मेरी। दिमाग में आप किसी के प्रति ले आओ मेरे पास कि उसकी चुगली करो, कोई शिकायत करो कि ऐसा है वैसा है, मेरे प्रति कोई साजिश है, फिर भी मेरे अंदर ना उसके प्रति वो आती नहीं कि मैं उसको उसी तरह देखने लगूं। ये मैंने कभी बहुत बार ट्राई भी किया, नहीं हुआ ही नहीं। मैंने कहा शायद नॉलेज रखता है, नॉलेज की बात ही नहीं, इंद्रियों के रिजल्ट ही ऐसे होने लगे। ये मन के साथ साथ जुड़ी होगी सारी चीज़ें। मन शांत करके, और मैं पूरी फैमिली इंजॉय कर रहा हूँ, मैं आपको बता नहीं सकता। अभी मैं अमेरिका रहा हूँ 2 महीने, फैमिली में सभी थे वहाँ, महर्षि था, देवी थे, सब थे। मैं आपको सच्ची बताऊँ, वहाँ मैंने बताने लगा हूँ नहीं वैसा, मैं महर्षि के गुड़िया आई है, मैं सारा दिन उसी को खिलाता था, ये चुमियाँ लेंदा सी, सुबह से लेके शाम तक उसको दूध पिलाना, नाले मैं बोलता था बाबे बच्चे खिला रहे ने, यानी मैंने वो भी लवा एंजॉय किया है फैमिली में। हूँ था महात्मा, सुबह 6 बजे मेडिटेशन से आना, नीचे आना 7 बजे, 7:30, 7 बजे, वो बच्चे को ले गए बैठ जाना, सारा दिन बस उसी के साथ ही। वो मैं अनुभव कर रहा था कि मैं एक महात्मा हूँ, मेरे पर ऐसा असर है, तो एक आम व्यक्ति पे ये ममता का कितना असर होगा, ये मैं अनुभव कर, उसमें बह नहीं रहा था, मैं अनुभव कर रहा था, ताकि मैंने लोगों को पाठ पढ़ाना है। कभी कभी कहीं मैंने लोगों को देखा, जब
कोई दूसरों के बच्चों को देखता ना तो उल्टे सीधे थॉट देने लगता है, जब खुद के बच्चा हुआ तो फिर खुद ही वैसा ही कर रहा, उससे भी बढ़ के कर रहा है। मैंने देखे हमारे ही घर में है ऐसा, दूसरे घर पति का देखो ये कर रहा है, जिसको नुकसान करा वो करा वो, अब अपने बच्चे के लिए सारा कुछ उसी पे लगा हुआ है, सारा पागलों की तरह। तो ये मैंने अनुभव किया, मैं भी वैसा ही किया, मेरी इंद्रियों ने भी एकदम पागल 2 महीने मैंने उनके साथ बिताए, काम छोड़ के उसी में चिपक जाना, ये है कहते हैं लहू लहू को पुकारता है। ब्लड का मैंने असर देखा तो मन शांत, पर मैंने अपने ऊपर भारी नहीं होने दिया, क्योंकि कुछ ज्ञान भी था मेरे पास, मैं अपनी जॉब भी जानता हूँ, तो ऊपर से मन भी शांत है, आत्मबल भी मेरा बहुत स्ट्रांग है, नर्वस सिस्टम जिसे हम कहते हैं, तो इसलिए मैंने ये अनुभव किया कि पूरी फैमिली को, यानी ये भी एक परमात्मा ही हमें अब रिसर्च करने के मौके देता है। अगर वो ना अलबे दे तो मुझे क्या पता होगा कि जब बच्चा नया घर में आता है तो उसकी वाइब्रेशन क्या होती है, औलाद का क्या असर है, औलाद की औलाद का क्या असर है, ये एक भेद मेरे से दूर था, ये भेद भी मैंने अब कंप्लीट कर लिया। वैसे तो मैं पहले भी कभी किसी की औलाद के प्रति टिप्पणी नहीं करता था, अब मैंने और अनुभव हो गया, पहले भी अगर कोई करता था तो मैं चुप कर जाता था, मैंने कहा क्या समझाऊंगा इसको, ये मूर्ख है, इसे खुद नहीं पता, जब तुम जाओगे जगह पर फिर पता चलेगा। अच्छा मैं एक आपको बताता हूँ बात, शायद मैं कामयाबी इतनी आसानी से, शायद तभी मैं इतनी आसानी से कामयाब हो गया, नहीं तो हो नहीं सकता था, क्योंकि तो मैं कोई खानदानी ऐसा कोई महापुरुष नहीं था हमारे खानदान में। मैं जो भी कोई गलती करता है ना, मैं अपने ऊपर ला के ले आता हूँ कि यार मैंने भी तो ऐसी गलतियाँ की होंगी, आज नहीं होगी पहले की होगी, तो मैं उसी क्षण उसे माफ़ कर देता हूँ। मैं कभी मैं इसको सजा तब दूँ अगर मेरे से ऐसी गलती ना हुई हो तो। एक बार मैं थोड़ी अपनी तारीफ करके बताता हूँ, उसके साथ बहुत से कुछ जुड़ा होगा। जहाँ बैठा था मैं घर की छत पे, नीचे हमारे आश्रम की गाड़ी खड़ी है, कार नई गाड़ी आई थी तब, तो बच्चे नीचे खेल रहे थे, शरारती थे, उन्होंने पत्थर मार दिया और शीशा टूट गया, उसका ग्लासेस टूट गया, बड़ा महंगा था 20-25 हज़ार का होगा। तो जो हमारा कार्यकर्ता था केंद्र का वॉलंटियर, वो सब बच्चों को पकड़ के मेरे पास ले आया, गुरुजी इन्होंने गाड़ी का शीशा तोड़ दिया। वो बच्चे थे कोई 15-15 साल के होंगे, बस 15-16 साल के, 17 साल। तो मैंने लड़के जिसने तोड़ा तो मैंने पूछा भी तुम्हारा बाप क्या काम करता है डैडी तुम्हारा, कहते मेरे डैडी बैंक में मैनेजर है, बैंक मैनेजर। तो मैंने कहा उसको कहो कि वो शीशा टूट गया नया लगवा दो, डैडी को कहो अपने पिता को। तो वो बोला कहता नो नहीं वो नहीं लगवाएंगे। तो मैंने कहा मैं लगवा दूंगा, टू दी पॉइंट। मैंने ये नहीं कहा क्यों नहीं लगवाएगा, ऐसा नहीं है क्यों तोड़ा, फिर ऐसा मैंने कोई थॉट नहीं दिया। उसने टू दी पॉइंट बात की, मैंने कहा अपने डैडी को कहो कि ये शीशा टूट गया, डैडी वो शीशा लगवा दो, गुरुजी की बाबा जी की गाड़ी थी मेरे से टूट गया लगवा दो। कहते वो नहीं लगवा के देंगे। तो मैंने कहा मैं लगवा दूंगा, यानी उसी क्षण मैंने उसके सर का बोझ उतार दिया, उसे डिप्रेस होने नहीं दिया। फिर मैंने उसे साथ ही बोला, मैंने कहा पुत्र जो तूने काम किया ना, मैं भी तेरी उम्र से निकल के आया हूँ, तो मैंने भी किसी न किसी का शीशा जरूर तोड़ा होगा, मैंने भी ऐसी शरारतें की हैं, मैं माँ की कोख से सयाना नहीं पैदा हुआ। हाँ ये जरूर मैंने तुम्हें कहा कि अगर तुम लगा सकते हो लगा दो, नहीं तो फिर मैं लगा दूँ, मैं भी तो पिता ही हूँ, नॉट वेरी। अब इसका असर बताता हूँ मैं, हुआ तो कोई प्लानिंग नहीं थी, वैसे जो रियल है असलियत, जो जब मन शांत होता है तो अपने आप पर ही तुम्हारे पुट्ठे सीधियाँ डायलॉग या पुट्ठे सीधे हाथ भी एक कलाकारी में परिवर्तन हो जाते हैं। तो मैंने तो बात वो एक्चुअली जो सत्य है उसी के हिसाब से चला, उसका रिजल्ट क्या हुआ, वो शरारती बच्चे हैं तो उनको क्या लेना देना महापुरुष क्या होते हैं, महात्मा क्या, मैं कॉलोनी में रहता हूँ उन्हें क्या लेना देना, उनके लिए तो अरे बाबा है ये सब। उस दिन के बाद वो जब भी बच्चे मेरे घर से नीचे के जाते थे ना, ऐसे नमस्कार करके जाते थे, लोग क्या फर्क पड़ा नहीं, अगर मैं उसको कहता ये वो अपना भी इमेज खराब करता। यानी बहुत से लोग मैं देखता हूँ, पेरेंट्स हैं जो लोग जब बच्चे गलती करते हैं तो उन पर भड़कते हैं, ऐसा कर पूछो तुमने क्या नहीं किया, शायद वो अपना आप भूल चुके हैं, नहीं भूले नहीं,
बेशर्म है वो लोग। तो मैं ये गलती नहीं करता, इसलिए मेरे अंदर जहर आती नहीं। कोई गलती कर भी दे तो मुझे पता है गलतियाँ कराने वाला कोई और है। गलती करने का मतलब तुम्हें अभी पीछे रखना है परमात्मा ने, आगे नहीं जाना, बस फिर से दोबारा रनिंग लगाओ। जितनी गलती करते जाओगे, फिर से रिपीट करो, फिर से रिपीट करो, उतने मजबूत बनोगे। पर जो मैंने बात बोली है आसानी से सिद्ध नहीं होती, पर इसके लिए मन का शांत होना जरूरी है। फिर बड़ी बड़ी बातें जो चाहे तुम अपने लागू कर सकते हो जीवन में, तभी मेरे लिए जीवन में कुछ भी लागू करना नामुमकिन नहीं है, सब मुमकिन है। अभी मुझे कारागर भेज दो, जेल भेज दो 20-25-50 साल के लिए, मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं, क्योंकि मन शांत जब हो जाए उसके लिए नरक स्वर्ग कोई मैं नहीं रखता। ये मिलेगा वो मिलेगा, ये सारा मन का ही है सारा सिस्टम। अगर मन एक ऐसी चीज है, एक एटम है, एटम बम तोप है, परमाणु बम है, जब वो अपनी मैल छोड़ता है आसपास का वातावरण सुगंधित कर देता है। ये बच्चे भी जहाँ भी काम है इनको भी पूछ लेना, ये आप तक चे पहुँच रही होगी। अब समय थोड़ा सा बदलने का हो गया, बातें हो रही है। पहले इसको लगा लूँ, आ रहे हैं लोग, संगत आ रही है, थोड़ा सा मैं सेटिंग कर देता हूँ, बाकी काम बाद में देखेंगे। ओके, इसको देख लो जरा, इसको सजाने जा रहे हैं, फिर जगाएंगे तो शाम को ही, रात को, अभी तो दिन का समय है, अभी दिन के 10 बजे हैं सुबह के, तो सुबह के 10 बजे का मतलब शाम को 5 बजे हम इसे जलाएंगे। अभी तो शुरुआत है, इसे बहुत लगेंगे, चारों तरफ लगेंगे पूरे यज्ञशाला में, पर मैं बातों में दे दो कितना ही काम कर लिया पता भी नहीं चल रहा। पर इसमें भी रस होगा, ऐसी नहीं कि मैंने ध्यान आप पे दिया हुआ है, अभी नई नई मुझे सिद्धि मिली है, ये भी बात करने की भी पहले नहीं थी, नई नई मिली है। वैसे भी दीप माला करने जो मौके देता है परमात्मा, दीप माला कभी भी करो इसका असर है। ये सब तभी, ये दिन त्योहार क्यों बनाए गए हैं कि लोग अपनी अपनी भावना प्रकट कर पाए। ये सब ऐसे नहीं बनी, बहाना चाहिए कुछ ना कुछ करने का, एक तरह से बहाने मिले हुए हैं। दिवाली है, आज दशहरा है, आज गुरुपुरब है, कुछ ना कुछ वो है। उसके लिए कोई ज़्यादा डीप धर्म में नहीं जाना चाहिए, कर्म में जाओ बस, कि मेरा धर्म है, मैं हिंदू हूँ, मुस्लिम हूँ, ये सब सोचो, बस कर्म है कि ये दिए जलाना अच्छा होता है बस। कौन भगवान है ये नहीं है, ये देखने की जरूरत नहीं, भगवान है जस्ता है, ये बस दिए जलाने हैं, अच्छे लगते हैं दिए जलाना बस। ओके, शब्द नहीं मुझे मिल रहा, उसको मैं किस चीज़ की मेडिसिन बताऊँ जो मैं बताने जा रहा हूँ, एक कैप्सूल का नाम बताने जा रहा हूँ, कैप्सूल मेडिसिन। वो खाने से क्या होता है अभी मुझे समझ नहीं आ रही, मैं किस बीमारी का नाम लूँ, किस मर्ज का नाम लूँ, किस प्रॉब्लम का नाम लूँ, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा, पर मैं कैप्सूल जरूर बताता हूँ आपको। चाहे वो नकली हो, डुप्लीकेट भी हो, तब भी तुम्हें वो कामयाबी किसी बहुत ऊंचाई तक ले जाएगा। वो कैप्सूल है, यानी किसी भी तरह से हालात बनाओ कि हर व्यक्ति तुम्हारी प्रशंसा करे, चाहे चरित्र चलो, झूठ मूठ में काम करो, पीठ पीछे भी तुम्हारी प्रशंसा हो, चलो चेहरे पे भी हो, चाहे सामने हो ना हो, पर कहीं ना कहीं तुम्हारी प्रशंसा हो। ये कुछ करना होगा इसके लिए आपको। प्रशंसा का मतलब जब हमारी कोई तारीफ करता है, कोई जादू टूना किया हो, कोई पितर दोष हो, कोई रोग हो, ये सब नष्ट हो जाते हैं।
तारीफ सुनने से भी कुंडली शक्ति जागृत होती है। कुंडली शक्ति का मतलब एक आत्मबल है, कुंडली शक्ति मीनिंग आत्मबल। हमारी गुदा से एनर्जी यहाँ पर आ जाती ऊपर, ये कुंडली शक्ति जो है ना, नीचे से प्रेशर। जब हमारी कोई तारीफ करता, हम 10 लोगों में बैठे हैं तो किसी ने हमारी तारीफ कर दी, यार ये बंदा बहुत अच्छा है, बहुत गुड है, बड़ा धानी है, ये बड़े अच्छे से काम करता है, तो जब आप सुन रहे होते तुम्हारी गुदा पर दबाव पड़ेगा, वहां से ऑक्सीजन आपको पुश करेगा यहाँ आ जाएगा, उसी क्षण आपके बहुत से रोग नष्ट हो जाएंगे, डिप्रेशन। ये प्रशंसा कैप्सूल ऐसा है, जब इसका नशा हो जाए प्रशंसा सुनने का, मतलब चाहे वो नकली हो, असली हो, चाहे किसी भी तरह, एक ना एक दिन तुम कोई दिव्य कामयाबी के करीब पहुंच जाओगे। ये मेरा समझो डीप अनुभव है, डीप। मतलब कुछ लोग क्या बोलते हैं, यार हमें क्या लेना देना, हमने अपना कमा के अपना खाना, हमें किसी की तारीफ की जरूरत नहीं है, हम काम करेंगे भार में जाए, ऐसे डायरेक्ट बोलते हैं। उनको पता नहीं तारीफ कोई ऐसी वैसी को फालतू किश नहीं है, तारीफ एक ईश्वरी वरदान है, उससे हमारा आत्मजल आत्मबल। मैं किसी तरह मैं कुछ अभी सही तरीके से मुझे कोई डायलॉग मिल नहीं रहा है इनके लिए, मैं उसे बहुत दस्तार के साथ किसी सिस्टम के साथ डिजाइन करूंगा कि रिश्तेदारों में जाओ। मैं छोटे से आपको सुनाता हूँ, बहुत पुराना मैं तब मेरी उम्र होगी, शायद तब से शुरू किया मैंने ये, और मुझे तब मेरी उम्र शायद 16 साल होगा, 15-16 साल। तो मैं किसी गांव में गया था शादी पे, तो मैं जब गांव पे शादी पे गया ना, वहां पर गांव में इतना कोई, तब की बात है, तब कोई ऐसे ड्रेसअप नहीं होते, लोग गांव के लोग सादे होते, कपड़े कैसे पहन लिए, तो मुझे, मैं शहर का था, वो सब गांव के थे, तो मैं अपने कपड़े लेके गया था साथ, तो मैंने थोड़ी सी स्कूटर के पे गया था, वहां के लोग बैलगाड़ी में से, बहुत पुरानी बात है, कम से कम सन कौन सा सन हुआ मुझे पता नहीं, इतनी मैं जान करता, मतलब अभी मेरी उम्र 7 की, तो मैं ला लो आज से 50 साल पुरानी बात होगी, तब समझ लीजिए गाड़ी पूरी अभी आने लगी, तो भी तब कोई भी नहीं, तो प्रेस वगैरह भी करने के लिए शहरों में ही होती थी, बिजली वहां गांव में। मैं जिस गांव में गया तो मैंने वहां पर घर वालों को कहा, जो मेरे रिश्तेदार थे, मैंने कहा वो मैंने अपनी कमीज और पैंट को प्रेस करना है, आपके घर में प्रेस है? तो कह रहे नहीं नहीं हमारे तो प्रेस नहीं, हम तो ऐसे ही पहन लेते हैं। तो एक उसमें था हमारा कोई रिश्तेदार, वो कहता कोई नहीं पुत्र, मैं तुम्हारे लिए अरेंज करता हूँ, हमारे पास जट्टाना कर है, उनके पास होगा, वो पैसे वाले हैं, बाहर गए होनी फैमिली। तो गया वो उनके घर से, वो प्रेस ले आया, तो मुझे दी उन्होंने। ये मैं आपको बताता हूँ, ये मैंने कोई प्लानिंग नहीं की थी, बस वो एक कुछ कुछ लवे एक बहुत बड़ा ग्रंथ का रूप धारण कर लेती है। तब मैं कोई ब्रह्म ज्ञानी नहीं था, कोई नॉलेज वाला नहीं था, एक आम शरारती व्यक्ति जैसे होते सब आप भी होंगे। तो मैंने क्या किया, वो अपनी वहाँ पर उसके जहाँ भी घर था, तो मुझे अब भी सीन याद है, तो मैं अपनी जो पैंट थी, जो शर्ट थी, वो गर्म लगाई वहाँ के प्रेस करने लगा, तो एक बूढ़ी औरत आई, कहती पुत्र अब मेरी चुनरी है, इसको भी थोड़ा बल निकाल दे। तो मैं कहा लिया, मैंने उसको पकड़ा, मैं उसकी चुनरी को प्रेस करने लगा, जैसे ही मैंने चुनरी प्रेस की, एक लेडीज और आ गई, बेटा ए मैंने शूट पाना, ये भी बल कर दियो, ये थोड़ा ज़्यादा भी। मैंने उसका भी पकड़ लिया, मैं कहा लो मैं तेरा भी बल निकाल देता हूँ। लो मैं आपको बताऊँ, मुझे क्या पता था क्या होना है, तो मैं एक की चुनरी पकड़ी, एक का वो ऊपर का सूट था, ऊपर का हिस्सा प्रेस कर रहा था, वो पता नहीं क्या हुआ, माहौल कैसा हो गया, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा हुआ था गया,
इतने बड़ा ढेर लग गया वहाँ। अब मैंने क्या सजना था सवरना था। अच्छा मैं था तो बड़ा मुँह चढ़ा था, मतलब बोलने वाला थोड़ा सा कपत्ता था समझ लो, पता नहीं तब मेरा मन भी ऐसा हुआ नहीं तो मैंने भी ना नहीं कि मैंने कहा आने दो। फिर वो मुझे मज़ा आने लगा कर ली, पर मुझे बहुत कीर्ति मिली, यशमान मिला कि यार क्या बात है। कुछ लोगों तो पता ही नहीं था कि मैं कौन हूँ, वो सोचते शायद कपड़ा प्रेस करने वाला ही बैठा है। वो देते गए, मैं हंसता हुआ लेता गया, करता गया लेता गया, जानी वो तो शादी की बारात जलने का समय आ गया, मैं कपड़े प्रेस कर रहा हूँ। मुझे लगता है उस वक़्त तो वो सब लोगों का आशीर्वाद कह लो या परमात्मा का कोई, तो उस दिन के बाद मुझे एक एडिक्शन हो गई, नशा हो गया ऐसे काम करने का। मैं लोगों के काम, अभी भी मुझे सीन याद है जब मैं फिर काफ़ी जवान भी हो गया, शायद मेरी शादी भी हो गई थी, उसके बाद भी मैं ऐसे काम करता रहा बिना किसी शर्त बिना कोई, पर उसकी प्रशंसा ने मुझे तंदुरुस्त बना दिया। लोगों की तारीफ निंदा तो चलो होती है, जो है तो कोई भी हो, देवी देवता को भी लोग गाल, भगवान को भी गाली दे ही देते हैं, कह देना अरे भगवान मेरे साथ ऐसा तूने क्यों किया, भगवान को भी गाली दे ही देते हैं। पर फिर भी तो मतलब मैं पुत्र कि तुम जो भी काम करो, कुछ भी काम करो, इस तरह से करो कि तुम्हारी कोई प्रशंसा करे तारीफ करे, इसके लिए हालात बनाओ, चाहे अपने पैसे खर्च के दे चाहे जो भी, बस मेरी तारीफ ही होनी चाहिए, कहीं कोई ऐसा काम ना करो जहां पर तुम्हारी निंदा हो। कह रहे बंदा बड़ा कमीना है, अरे बेईमान है, ये चोर है, ये बंदा बदतमीज है, इन डायलॉगों से बचो, ये डायलॉग तुम्हारी उम्र घटा देंगे। अगर कोई व्यक्ति कह रहा है बंदा बदतमीज है बेवकूफ़ है, समझ लो तुम्हारी उम्र कम हो गई, तुम्हारी आत्मबल कम हो जाएगा, तुम्हारे शरीर में जो रोगों से लड़ने वाली मेडिसिन है वो कम हो जाएगी। जब कोई व्यक्ति कहेगा या ये व्यक्ति बहुत बहुत ही बढ़िया है, तो उसी क्षण तुम्हारे जो बहुत से ऐसे सेल हैं जो वीक हैं वो चार्ज हो जाएंगे, यूँ बिना परमात्मा का सिमरन भी करने की जरूरत नहीं। सो तुम लोग किसी भी तरह हालात ऐसे बनाओ कि कोई तुम्हारी प्रशंसा करे, चाहे कोई भी काम नकलीपन से ही करो दिखावे के लिए। मैं करता था दिखावे के लिए काम, पर ईश्वर ने उसका भी फल मुझे पॉजिटिव दिया। मैं कहीं जॉब करता था, नौकरी करता था, तो मुझे क्या आदत हो गई, जब मैं अंदर जाता था ऑफिस में तो जो वॉचमैन होता था गेट पे, सिक्योरिटी गार्ड, मैं उसको भी 10-5 रुपए दे देता था, यानी कुछ ना कुछ मैं सबको ऐसे करता था। क्यों करता था? दान नहीं करता था कि मैं जब अंदर आऊँ तो मुझे सलूट किया जाए, था तो मैं छोटी श्रेणी का, यानी मैं कोई ऑफिसर नहीं था, पर मेरे अंदर था कि मैं जब जाऊँ तो वो जो गेट के खड़ा मुझे सलाम करे, यानी कोई दान पुण्य नहीं था, सिर्फ सलाम लेने के लिए मैं ये करता था। पर ईश्वर को कोई लेना देना नहीं कि मैं स्वार्थ मामाना में कर रहा था। ईश्वर ने मुझे वो सारे जितने भी मैंने कार्य किए थे उसका क्रेडिट दिया, मुझे बेनिफिट दिया, आज मैं उसी की बदौलत खा रहा हूँ। मैं जब पैसे कमाता था तो वहाँ पर जितने भी होते थे कार्यकर, छोटे लोग जैसे वाटरमैन स्वीपर लोग होते थे, तो मैं तकरीबन सबका खाना पीना मैं ही मंगवा के करा देता था वहाँ, यानी घर पे तो शायद मेरा लगता है अगर 100 रुपये सैलरी थी घर में 10 रुपये ही पहुँचते थे, वो भी नहीं पहुँचते थे। वो करता मैं दान नहीं था, वो करता मैं सिर्फ मेरी जय जयकार हो, पर परमात्मा को कोई लेना देने नहीं था, उसने उसको दान में ही गिना, उसी की बदौलत आज देखो मैं दियो में बाती लगा रहा हूँ।
कोई चिंता नहीं, कोई फिरका फाका नहीं, कहाँ से क्या आना है, कहाँ से क्या आना है, मौज कर रहा हूँ मौज। वो जितना भी बीज था मैंने बोया था वो काट रहा हूँ, पर मैंने कोई वो काम श्रद्धा से नहीं किया था, कोई विश्वास से नहीं किया था, ये भी नहीं सोचा था कि मैं ये दान कर रहा हूँ, नहीं, सिर्फ प्रशंसा के लिए मैं काम करता था कि मेरी तारीफ हो, मुझे सलाम किया जाए। या अच्छा मैं बताऊँ वहाँ का काम ये भी था, मैं एक और बता दूँ, उसी ऑफिस में ना जो SDM होता था, SDM टॉप ऑफिसर, वो जब आता था वो कार में आता था, मैं साइकिल पे, मेरे को साइकिल दूसरा होता था, वो ऐसी ब्रेक वाला, जब नए नए चल रहे थे वो साइकिल, मेरा वो जो वॉचमैन था मेरा साइकिल पकड़ के जमा कराता, जो वहाँ का SDM आता था उसकी गाड़ी का दरवाज़ा नहीं खोलता था, बड़ा मज़ा आता था देख के। सो ये शरारती था मैं, जानबूझ के करता था मैं, उसमें मेरी पूरी एक तरह की शैतानी होती थी कि SDM को कोई नमस्ते करे ना करे मुझे जरूर करे, पर ईश्वर ने उसे अनदेखा नहीं किया, उस काम को ही मेरा स्वभाव बना दिया, एडिक्शन हो गई, आदत हो गई मुझे, और करते 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 मैं एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री का मालिक बन गया। इंडस्ट्री भी जिस इंडस्ट्री का मालिक निराकार है उसका मैं मालिक हूँ, देखो कितना अहंकार है इस बात पे मेरे में। बड़ा मज़ा आता है। तो आपके लिए भी मेरे तरफ से एक कामयाबी का एक इशारा है पुत्र, कभी ये मत सोचो मुझे किसी की तारीफ से कोई लेना देना नहीं, कोई मेरी तारीफ करे ना करे, मैं कमाता हूँ, मैं खाता हूँ, दिस दिस दिस, तुम घटिया व्यापारी हो, अगर तुम्हारी थिंकिंग ये है तो समझ लो कमाओगे तुम, खाएगा कोई और। अगर तुमने पुत इजी चेहरे पे खिला हुआ चेहरा रखना है, प्रशंसा की भूख पैदा कर लो अपने अंदर कि हर बंदा मेरी प्रशंसा करे, कहीं भी चले जाऊं मैं, रिश्तेदारों में चले जाऊं, किसी सोसाइटी में चले जाऊं, दोस्तों मित्रों में चले जाऊं, मेरी तारीफ हो। मेरा एक दोस्त था, वो मैं थोड़ा शरारती था, देखो जब ईश्वर ने जब किसी को तारना होता ना, उसकी रिसर्च कैसी हो जाती है, रिसर्च कैसे कैसे दिमाग में। तो मेरा वो दोस्त जो था, दोस्त है मतलब आज भी है, वो जिंदा है, बहुत बढ़िया बंदा है, बस बढ़िया था, मैंने लूट लिया उसको। तो वो जब भी आता था ना, उनके मिलने का ढंग मतलब ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब बड़ा ठहराव था उनमें, किसी से भी मिलना, झुक कर मिलना, नमस्कार करना, मैं नहीं था ऐसा, पर मुझे उसका ये अंदाज बड़ा प्रिय था। मैं कहा यार देखो क्या बंदा है, बंदे में ये होनी चाहिए कि जिससे भी मिले ऐसे ऐसे ऐसे, वो ये भी नहीं था कोई कमज़ोर, बड़ा दिल वाला बंदा था, दलेर बंदा था, बंदा था नहीं है, मतलब ऐसा भी नहीं था कि वो कमज़ोर था, किसी के आगे झुकता था, पैसे ले भी ठीक था, नॉलेज वाला भी था, नेक भी था, बस उसका एक स्वभाव था, शायद उनके पितरों से मिला होगा उनके पास। तो मैं चाहता था कि यार मेरे में भी ऐसा होना चाहिए, पर मैं हो नहीं सकता था क्योंकि मैं तो बड़ा आउट ऑफ कंट्रोल, मेरी इंद्रियां एकदम में फला ब्लास्ट होने वाला, पर मुझको उसकी वो अदा ब्यूटीफुल लगती थी। तो ईश्वर ने तथास्तु कह दिया, आज तो मैं उससे भी बहुत आगे निकल गया। तो इसीलिए मैं आपको भी कहता हूँ कि पुत्र आप मुझे देखो, मैंने उसको देख के ये कामयाबी पाई कि यार जितना इसमें ठहराव है मेरे में आ सकता है, आ गया। अच्छा इसी तरह मैंने अपने गुरु को भी लूटा, मैंने उसको भी नहीं छोड़ा, हूँ मैं एक नंबर का ठग गई चोरी हूँ मैं, चोरी करना मुझे आता है। जब मैं एक बार पहली बार श्री श्री जी से रविशंकर, गुरु रविशंकर पहली बार मैंने जब देखा था, कोई लेके गया था मुझे चंडीगढ़ में, मुझे बड़ा अंदाज उसका बड़ा ब्यूटीफुल लगा, ज्ञान गुण की बात नहीं, नॉलेज नॉलेज मुझे समझ नहीं आई बातें, पर उनका स्टाइल बहुत सुंदर लगा, बस
चोरी की मुझे आदत बचपन से थी कि किसी का गुण देख लो चुराए ना, ये कैसे हो सकता है। तो फिर हम पीछे पड़ गए कि ये अंदाज हमें भी चाहिए है। देख लो सूरत भी मिलती है मेरी आस थोड़ी थोड़ी। आप भी पुत्र जिससे भी इश्क करो, बाकी तो इश्क देख के होता ही नहीं, जब होना है वही जाना है, इसमें कोई दिमाग की बात नहीं। इसके लिए कोई मुझे आपको कोई थॉट नहीं देना चाहिए, क्योंकि प्यार किया नहीं जाता, ये ना तो मैंने प्लानिंग की थी ना मैं अभी बोल दूं कि नहीं ऐसा ढूंढो ऐसा, ऐसा कुछ नहीं है। गुरु कौन सा ढूंढो, जो तुम्हारा भाग्य तुम्हें मिल ही जाना है। बात इतना ज़रूर है कि आपको गुरु मिले ना मिले, कोई महापुरुष मिले ना मिले, कोई प्रवचन देने वाला जा कोई, पर एक अपने अंदर पैदा कर लो कि मुझेरी प्रशंसा मेरे घर में भी हो बाहर भी हो। इसी कारण मैंने क्या किया कि मैं ना यहाँ पे आप अभी देख रहे हो ना ये घर है, यही मेरा घर है, मैं ही यहाँ पैदा हुआ हूँ इसी घर में। उसी बात को मैं लेकर जिद्दी हो गया, क्योंकि मैंने इसी घर में रहा हूँ तो पैदा भी हुआ हूँ, शादी भी सब कुछ हुआ, तो ऐसा हो नहीं सकता कि सभी काम सीधे हुए होंगे, कुछ बदनामी के भी कारण बने होंगे। तो जहाँ पर बदनामी हुई होगी तो वहाँ पूजा नहीं हो सकती। तो मैंने नहीं यार मैं रहूँगा तो यहीं, अगर मैं यहाँ ना बन पाया तो मैं कहीं भी नहीं बन पाऊँगा, ये जिद रख के बैठा रहा मैं। तो मैंने कामयाबी पा ली, कामयाबी पा ली मैंने। अब मेरे जो दुश्मन भी है ना, दुश्मन आज भी है, जो मुझे पुराने जानते हैं वो छोड़ेंगे थोड़ी मुझे, नहीं जिनके साथ मैंने टी पी की है वो कैसे छोड़ेंगे। पर वो भी आज भी मैं सुनता हूँ, लोग आके बताते हैं कि जब भी वो कहीं इकट्ठे होकर बातें करते हैं ना, है तो मेरे दुश्मन तो जवान से वो तरी बन जाती है यार, कुछ भी है वो बंदा बहुत मेहनती था, कामयाबी पाली उसने। वो मुझे महात्मा नहीं कहता कि मैं महात्मा बन गया, वो सोचते कि मैं अमीर बन गया, लोग आ रहे हैं पैसा चढ़ा रहे हैं, यानी उनके लिए मैं एक हार्ड वर्कर था, मैंने कामयाबी मुझे मिल गई। पानी मेरे दुश्मन भी है, वो मुझे ये नहीं कह सकते कि मैं नकली बाबा हूँ, क्योंकि मैंने उन्हीं लोगों के सामने बहुत बेइज्जती करवाई, वो देखते थे मुझे, बहुत जलील किया मुझे यहाँ पर, सब ने, रिश्तेदारों ने भी, कॉलोनी वालों ने भी, मतलब किसी ने, सब ने अपनी अपनी कसर निकाली पूरी पूरी। तो मैं शांत बर्दाश्त करता गया, ये सब मोमेंट उन लोगों को आंखों से हृदय से देखी हुई है, तो इसलिए वो मेरी निंदा नहीं कर सकते। शायद मैं उनके सामने बहुत कुछ उल्ट किया होगा, उल्टा जब बचपन थे शरारतें की, शीशे भी तोड़े होंगे, कुछ किया होगा, पर वो अब मैं उन पे भारी पड़ गया, अब वो सोच उस तरफ जा नहीं सकते वो। तो ये है एक वो कैप्सूल कि एडिक्शन, अगर एडिक्ट हो जाओ उस चीज़ के कि कोई दिन में तुम्हारी कोई तारीफ करे, तारीफ के लिए कानों को खोलो भागो, कोई ना कोई रास्ता ढूंढो कि कोई तुम्हारी तारीफ करे। ओके, फिर एक ना एक दिन तुम बाप बन जाओगे दुनिया के। बाप भी छोटी चीज है, बाप भी क्या होता है पुत्र, बाप शब्द भी छोटा है, उस चीज का कोई, उस चीज को नाम ही नहीं दिया जा सकता, नाम ही नहीं दिया जा सकता। हाँ वैसे पागलों जैसी हरकतें कर दो कोई, तो आज से ही संकल्प कर लो कि मैंने तारीफ सुननी है अपने रिश्तेदारों से भी, अपने दोस्तों से भी, अपने दुश्मनों से भी, इधर से भी उधर से भी, तो उसके लिए मैं क्या करूं, बिकता सब कुछ बिक जाए। कुछ चीज़ें मेरे अंदर चल रही है इस वक्त, उनके लिए मैं शब्द ढूंढ रहा हूं, मिल नहीं रहे, मैं कुछ कि उसको मैं किस शब्दों में आपको तारीफ सुनने के लिए
कैसे मैं अपनी तारीफ सुनना, तारीफ कराना मेरे अंदर चल रहा है, पर उसके लिए शब्द नहीं आ रहा, कोई लफ्ज मिल नहीं रहा है। हाथों की स्पीड तो मेरी ठीक है, बोले जा रहा हूँ आपके साथ। वो सब लोग आके बैठे हैं, अभी मैंने ड्रेसअप भी होना है भाई, तैयार भी होना है। ओके बैठो आप। आगे होता था, आपके आने से पहले मैं तैयार होता था, ड्रेसअप होता था, वो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। गुरु लोग जो भी करते हैं वो तो वो आपको कुछ सिखाने के लिए करते हैं बस, कि आप लोग भी इस तरह से जीवन जियो, लाइफ का स्टाइल ऐसे बनाओ, कोई भी जिसको जैसे महात्मा को अच्छा लगता है। कुछ लोग महात्मा को अच्छा लगता नंगे रहना, कुछ सर मरमड़ लेते हैं, कुछ सर पे राख मल लेते, वो चाहते कि तुम भी ऐसे रहो। मैंने गृहस्थ जीवन को पास किया है, मैंने उस खतरनाक लाइफ, सबसे खतरनाक लाइफ होती है गृहस्थ जीवन की, मैंने उस पे फतेह पाई है, तो मैं चाहता हूँ आप भी उस फैमिली में ही फतेह पाओ। ओके इसलिए मैं खुद जो सुख पा चुका हूँ, मैं चाहता हूँ आप भी वो सुख पाओ। कहीं घर नहीं छोड़ना, कोई रिश्तेदारी नहीं छोड़नी, कुछ हाँ जो गंदे हैं वो अपने आप भाग जाएंगे, बेफिक्र हो। जो तुम्हें डिस्टर्ब करने वाले हैं, जो तुम्हें टॉर्चर करने वाले हैं, तुम्हारे जीवन के आड़े आने वाले हैं, वो अपने आप इधर उधर सब, जो तुम्हारे अंदर की जो खुशबू है ना, उनके लिए पॉइजन महसूस होगी। है वो तो खुशबू स्मेल, पर उनके लिए पॉइजन, वो अपने आप ऐसे घबराहट होगी उनको। मैंने देखे कई लोग, कुछ लोगों आए मेरे पास, उनको राहत मिली, कुछ लोगों को डर लगा मुझसे, डर, अरे बाबा जी से डर लगता है, तो समझ लो उसके अंदर कोई दुष्ट आत्मा थी, दुष्टता थी, तो भागते थे। शायद कोई रिश्तेदारी होगी उसमें हमारी। तो इसी तरह जो लोग तुम्हें टॉर्चर करने वाले हैं या कोई तुम्हारे नियर डियर, तुम्हें भागने की जरूरत नहीं, तुम अपने कार्य पर लगे रहो बस, भड़को नहीं। अगर नर्वस सिस्टम बर्दाश्त नहीं कर रहा, थोड़ी और साधना करो और त्याग करो। परमात्मा चाहता है कि भी और थोड़ा मजबूत हो जाओ। एक बार फेल हो जाओगे, दो बार फेल हो जाओगे, जितनी बार फेल हो गए उतना ही निखार आएगा। जितनी बार फेल हो जाओगे उतने ही तुम प्रोफेशनल हो जाओगे, जितनी जल्दी जीत जाओगे उतने तुम अच्छे टीचर नहीं बन पाओगे। अच्छे मास्टर बनना है, अच्छा टीचर बनना है, जीवन में 10-12 बार तो फेल होना बहुत ज़रूरी है। एक ही क्लास में 2-4 साल तो निकालने चाहिए, अगर कोई विशेष क्लास है तो, अगर नॉर्मल है फिर तो कोई बात नहीं। अगर आप किसी अभियान को कमांड देना चाहते हो तो आपको एक ही क्लास में थोड़ा क्या कहते हैं 2-4 साल बताने चाहिए। तो इसलिए आधा घंटा हमें लग जाएगा, 15 मिनट लगेंगे, फिर हमने क्या करना है, फिर भी बातें ही करनी है, और तो कुछ करना नहीं। अच्छा जो भी हम बातें कर रहे हैं ना, जब भी आप इसको देखोगे ना, शुरू से देखना, स्टार्ट से, कि हम क्यों चले थे, क्यों बातें हुई, ये याद रखना। क्योंकि अगर बीच में से देखोगे बड़ी बेकार सी बातें लगेंगी आपको, निकम्मी सी, घटिया सी, क्या बोले जा रहा बाबा। अगर आप शुरू से देखोगे तो आप लगेगा यार मज़ा आ रहा है। बीच में से नहीं देखना। मैं आपके लिए ये कर रहा हूँ, ये बच्चे लगे हुए थे, मैंने कहा चलो यहाँ भी आप बैठे हो, पर अगर आपने देखना हो, ये सुनना हो, या किसी को भी, तो उसको स्टार्ट देख लो, बीच में छोड़ देना, कोई बात नहीं। पर शुरू, स्टार्टिंग देखना जरूरी है, एंड देखना भी जरूरी नहीं।
बीच में भी देखना चाहिए, क्योंकि कोई भी जब हम कोई टॉपिक शेयर करते हैं ना, क्यों चलाओ, क्या कारण था, क्या रीजन था, वो जब पता चलता है हमें, फिर स्वाद आने लगता है, फिर हमारे जीवन में भी परिवर्तन आता है। नहीं तो लगेगा यार क्या बढ़िया रहा है, इसका क्या लॉजिक है, ये बात क्यों बोली उसने, इसको क्या पता कि मैंने वो जो आग पे सब्जी रखी हुई थी वो दो घंटे पहले सब्जी रखने के मेरे पक्के, धीरे धीरे पकती है। तो स्टार्ट से देखो, जब मैंने पहले चूल्हा बनाया, फिर उस पर बर्तन रखा, सब कुछ देखो, फिर आपको मेरी बातों से कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा, कुछ ना कुछ नहीं पूरी लाइफ मिलेगी, कुछ ना कुछ क्या होता है, कुछ ना कुछ तो हर जगह मिल जाता है, कुछ हमारे साथ बैठोगे बहुत कुछ मिलेगा, बहुत। जब कभी कभी बड़ी बड़ी बातें बोलता हूँ तो मैं बैठ के सोचता हूँ यार मैंने कोई ओवर क्लेवर वाला काम तो नहीं हो गया। अच्छा, मेरा मन भी ऐसा है, दिमाग भी ऐसा, अपने ऊपर इल्जाम नहीं होने देता। मैंने ना यू नो जो बोल रहा मैं ठीक ही बोल रहा हूँ। बिल्कुल अपने आप पे वो लूज नहीं छोड़ता। कैसी आत्मशक्ति होती है ये कितना कि कहीं से भी एक भी क्षण ये नहीं कहता नो ओके सब गुड बिल्कुल परफेक्ट। सुंदर नहीं लगने लगा अभी, अभी तो जलाए नहीं, बिना जलाए सुंदर लग रहे हैं। आप भी कभी कभी ऐसे किया करना, देख लो मुझे देख के ना, आएगा आपके अंदर भी ये पागलपंती आएगी जरूर। अगर बुराई का असर हो सकता है इंसान पर तो ईशाई का असर क्यों नहीं होगा। नहीं, कोई गंदे काम करता है हम देख के, हम भी करते हैं, तो अच्छे काम देख के भी तो करोगे। इसलिए आज मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, करना तो मैंने कुछ और था, बस इसी के पीछे लग गया। ये बच्चों ने आगे मशीन फिट कर दी तो मैं भी थोड़ा एक्टर बन गया। नहीं, मुझे भी आ गया कि चलो मरने के बाद भी जिंदा रहेंगे, 100 साल तो रहेंगे ही कम से कम। 100 साल का मतलब मेरी जिंदगी का जो मेरा ग्रंथ है उसकी उम्र 100 साल। 100 साल बाद मुझे मेरे ग्रंथ की कोई वैल्यू नहीं होनी चाहिए। ओनली 100 ईयर्स वैलिडिटी, फिर उसके बाद तब कोई और आ जाएगा, कोई और उस वक़्त की बॉडी क्या बोलेगी, उस वक़्त का वेदर कैसा होगा 100 साल बाद, उस वक़्त की ऑक्सीजन कैसी होगी, डाइट कैसी होगी, इंद्रियें कैसी होंगी। नहीं, कुछ नहीं जानता पुत्र, पर जे चमत्कारी दुनिया है कुछ भी हो सकता है, ये तो जानते हैं, क्या हो सकता है ये नहीं पता, पर कुछ भी हो सकता है। इसलिए मैंने अपने ग्रंथ की उम्र 100 साल कि मेरे ज़िंदगी के जो भी अनुभव हैं, चाहे मैं कितना ही बड़ा गुरु घंटा घंटाल हूँ, मेरा थॉट चाहे कितना ही प्योर हो, फिर भी उसकी वैलिडिटी 100 ईयर्स 100 साल। 100 साल बाद इसे उठाकर कचरे के डिब्बे में फेंक देना, फिर 100 साल बाद कोई नया आएगा, नया चौला होगा, नई यूनिफॉर्म होगी, नई बॉडी होगी, नया अनुभव होगी, नई ऑक्सीजन सब। पर ये जो भी है आज सुन रहे हो उसे प्लीज़ शुरू से देखना। ओ मेरे पुत्रो, ओ स्टार्टिंग, उसके बाद चाहे बंद कर देना कोई बात नहीं।
अगर आपने स्टार्टिंग नहीं देखी, बीच में देखी, तो फिर वो जहरी ही है। ओके, तो मेरी आपसे अरदास तो नहीं मैं कह सकता, मैं आपको ऑर्डर देता हूँ कि ये वाली जो मेरी बातचीत है आपसे, शुरू से देखना, स्टार्टिंग से, बीच में चाहे कुछ भी ना देखना, 5 मिनट चलाने के बाद बंद कर देना। ओके, अगर आपने बीच में से 2 घंटे भी देख ली तो एक अंदर खनक कम महसूस करोगे आप। शुरू से ही देखो, फिर तुम्हारे जीवन में भी कहीं ना कहीं ये स्टाइल लागू होगा। जो चीज तुम्हारे पास है नहीं, तुम किसी को नहीं दे सकते। लास्ट में रिपीट करने जा रहा हूं, तुम कहते हो कि मैं अपने बच्चों को कामयाब कर दूंगा, पहले देखो तुम्हारे पास कामयाब भी है। जो चीज तुम्हारे पास है नहीं, तुम किसी को कैसे दे सकते हो। तुम कहते हो कि मैं अपने बच्चों को खुश कर दूंगा, क्या देखो तुम खुश हो। जो चीज तुम्हारे पास नहीं, तुम कैसे दे सकते हो। तुम कहते हो कि मैं अपने बच्चों को तंदुरुस्त बना दूंगा, तंदुरुस्ती दे दूंगा, तुम देखो तंदुरुस्त हो। जो चीज तुम्हारे पास है नहीं, तुम कैसे दे सकते हो। इस थॉट को लागू करना हो तो पहले खुद खुश होकर दिखाओ, परमानेंट खुश, पहले खुद तंदुरुस्त होकर दिखाओ, पहले खुद कामयाब होकर दिखाओ, फिर ये थॉट अपने बच्चों पे थोपना पुत्र। नहीं तो तुम्हारा ये थॉट बच्चों को किसी एक्स्ट्रा एनर्जी नशे के चक्कर में ना डाल देना पुत्र, उसको ये बातें बोझ भी बन सकती है, बोझ भी बन सकती है पुत्र। पहले खुद अनुभव करो तंदुरुस्ती क्या होती है, कामयाबी क्या होती है, खुशी क्या होती है। किसी का इलाज बन करने से पहले खुद डॉक्टर बनो, जब तुम डॉक्टर ही नहीं तो किसी का इलाज कैसे कर सकते हो। पहले खुद तो डॉक्टर बनो, अनुभव करो पहले। तो मैंने ये जो मैं बातें कर रहा हूँ ना, मैं जब मैं साधना काल में गया था तो मुझे समझ लो 1 या 2 महीने बाद ही, जिसे हम कहते हैं आपकी किताबी भाषा में सच्चिदानंद परमानंद, ये मुझे शायद 20-25 दिन में परमानंद सच्चिदानंद आनंदानंद ये 10-15 दिनों में मिल गया था। और जो प्रश्न का कोई उत्तर था, यानी पूरे प्रश्नों का उत्तर, वो मुझे शायद 10-5 मिनट में ही मिल गया था। यानी मैं पूरा ब्रह्म ज्ञानी 20 मिनट में बन गया था, पर उसको डिक्लेयर करने के लिए मुझे 20 साल लग गए। 20 साल, बाबा तो मैं 20 साल पहले बन गया, ब्रह्म ज्ञानी हो गया, सच्चिदानंद ये जिसे हम बोलते हैं, मैंने किताबों में पढ़ते हैं बाबे बोलते होते हैं, 20-25 मिनट में ही पूरा का पूरा टिकटॉक ढंग फाइनल। पर मैं, मेरे पास ये काबिलियत सिद्धि नहीं थी, मुझे अभी किस ईश्वर ने वरदान नहीं दिया था मैं इस बातों को किसी पे थोपूं या मैं किसी से शेयर करूं, ये मेरे पास। तो मैं, ये रूम है ये साथ वाला, थोड़ा सा इधर एंगल करना है इसका, जरा ये वाला रूम देख लो इधर, ये छोटा सा रूम है 10 फुट बाई 8 फुट का रूम है ये मेरा। इस रूम में मैं सोता था, ये तो अभी बना है, लोगों ने आए गए लोगों ने बना दिया, ये जिनको मेरे से इश्क हो गया उन्होंने ये सब किया,
तो मैं बता रहा हूँ कि 20 दिनों में ब्रह्मज्ञानी बन गया मैं, सच्चिदानंद परमानंद तरद्रंद सबको आ गया, नॉलेज भी हो गई कि मैं किसी को भी ये सब कुछ कर सकता हूँ दिस। पर उसके बावजूद भी मुझे परमिशन नहीं थी, तो मैं फिर एक दिन मैं इस रूम में बैठा था इस तरह से, जब अकेले बैठ के बंदा गल्ले बातें करता ना अकेले बैठ, तो मैं जब ऐसे बैठा, देखने में तो शरीर सुकड़ गया था मेरा, तो मैं ऐसे बैठ के जब आंखें खोली तो मैंने अपने हाथों को देखा, बहुत ऊर्जा थी, बड़ी एनर्जी थी मेरे में। तो मैं तब अकेले बैठ के क्या कर, जैसे भगवान से बातें करते, तो मैंने आंखें खोल के मैंने कहा भगवान, जैसे आप जैसे हम अकेले बैठा देखा ना, कभी कभी बातें करता है कोई व्यक्ति अकेले में बैठा ऐसे, भले कर जा रहा मैं भी, तो मैं एक टेक्नीशियन हूँ पुत्र, देखा जाए ऑल इंजीनियर प्रैक्टिकली, यानी एजुकेशन से नहीं, काम कोई भी दुनिया का हो सब। तो परमात्मा ने मुझे अच्छे भले टेक्नीशियन को कुछ और ही बना दिया। तो मैं क्या बात कर रहा हूँ परमात्मा से, जो है दिखता नहीं किसी को ना, मुझे भी नहीं दिख रहा था, मैंने भी बोल दिया वैसे ही। तो मैंने कहा परमात्मा, अगर तुमने मुझे यही बनाना था तो मुझे इतने बड़े काम क्यों सिखाए आपने? अब मैं इतना काम जानता हूँ, करना जानता हूँ, सब कुछ जानता हूँ, फिर भी मैं कर नहीं सकता, कम से कम कुछ काम करने का मौका तो दे। ये मैंने अकेले में बैठ के गुफ्तगू की कि मुझे कम से कम थोड़ा बहुत काम करने का मौका तो दे दे। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख, फिर ये पर्सनैलिटी हमें मिली, जो हमारी कोई चॉइस नहीं थी पुत्र। अगर मैं कहता कि परमात्मा आज रोटी पानी लाले पे ऐसी कोई चीज मांगता, शायद मैं आप जैसा होता। वो मेरी कोई अक्लमंदी नहीं थी पुत्र, वो जो अंदर सच्चिदानंद परमानंद आ चुका था, वो कभी छोटा लफ्ज बोलने देता ही नहीं। वो मेरी अक्लमंदी नहीं थी, 20 दिन में मुझे अक्लमंदी यानी सच्चिदानंद परमानंद वो नंद ये नंद आनंद कनंद सब। फिर उसके बाद मुझे 20 साल लग गए उसको डिक्लेयर करने के लिए। रूप भी दे दिया था परमात्मा, रूप ना उन्होंने स्टाइल दे दिया था, फिर भी अब मैं एक सरकारी मुलाजिम हूँ ईश्वर का, ऑन ड्यूटी हूँ मैं, ऑन ड्यूटी। उसने मुझे अपने महकमे में इंजीनियर रख लिया, राइट। मैंने PhD कर ली, ओ PhD आलो। मैंने अभी सजना है, बस थोड़ा सा काम हो है, पगड़ी बांध रही है, पगड़ी मेरी ढीली हो गई, हिल रही है। आज बहुत सालों बाद दिवाली पे मैं घर हूँ अपने आश्रम में, तो मैंने कहा चलो बच्चों के साथ बैठ के एंजॉय करेंगे, संतों के साथ ये दिन बिताना भी बहुत ब्यूटीफुल है। रात तो पता नहीं इस काम में लग गया मैं, आगे भी पहले भी मैं ये करता हूँ, पहले मैं अकेला ही बैठ के करता हूँ, ऐसे कुछ नहीं करता। कितने साल हो गए? 25 साल हो गए मुझे, ये जो आप देख रहे हो ना, मैं 25 सालों से कर रहा हूँ। पर संगत में के साथ गुफ्तगू मैं आज करने जा रहा हूँ 25 सालों बाद। तुम्हारा पहना पहनना खाना पीना
ऐसा होना चाहिए दूसरा देख के कोई आंख ना मूंदे, ये करे यार कैसा है ऐसे देख के टिक नजर टिक जाए, अच्छे कपड़े पहनो, अच्छा खाओ, खाते समय भी कोई तुम्हें देखे गंदा ना लगे, ये बहुत जरूरी है। जब कोई हम खा रहे हैं जब कपड़े गंदे पहने किसी ने आपको देख के कह दे रहे क्या यार, वो भी हमारी कुंडली शक्ति को डाउन कर देगा। तो पहले से ही आप ये मत सोचो मुझे किसे क्या लेना देना, नहीं लेना देना है, क्योंकि संसार जब जो देखेगा आप वैसे ही बन जाओगे। संसार ने अगर तुम्हें कहा तुम ब्यूटीफुल हो तो तुम ब्यूटीफुल, अगर संसार ने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया तो तुम परमानेंट ईश्वर के कंप्यूटर से भी रिजेक्ट हो जाओगे। ईश्वर भी संसार की दृष्टि में है, संसार चाहे कितना भी नेगेटिव क्यों ना हो, और पॉजिटिव भी तुम्हें नहीं बनाना है, तुम्हारे ही साइल ने। अभी मैं देखो ऐसे बैठा हूँ, अभी मैं जैसे संसारिक लोग जैसी हरकतें करने लगूँ चाहे ड्रामेबाजी में भी, फिर भी आप में नेगेटिविटी आ जाएगी। तो मुझे क्यों करना है ऐसा, करूँ मैं क्यों करूँ ऐसा कि किसी में मेरे प्रति नेगेटिविटी आए, मुझे खुद ही अपने आप को, ये तो हमारे पास इंसान के पास काबिल, कुत्ते बिल्ली में नहीं है ये, हमारे पास तो है, जानवर को पता नहीं होता कि कोई मुझे देख रहा है, हमें तो पता है ना सब। अच्छा ये मत कभी भी सोचना कि आपने आनंद परमानंद पाने के बाद या कामयाबी पाने के बाद, देखो मैंने फुल कामयाब हूँ, फुल कामयाबी से भी ज़्यादा, पर बेइज्जत मैं आज भी होता हूँ हाई हाई लेवल पर, छोटे लेवल पे नहीं, क्योंकि जितना इंसान के पास दुख सहन करने की ताकत होती है तो उतने बड़े का दुख देता भी है वो, तो मेरे पास इतनी बड़ी ताकत है दुख सहन करने की, उतना बड़ा दुख भी मिलता है मुझे, एक पल में बहुत हाई लेवल का बेइज्जत हो जाता हूँ, फिर मैं क्या करूँ। ताकि आपको बताने के लिए कि कुछ भी हो जाए डोंट वेरी बी हैप्पी, हम अपने आप को दुखी नहीं करेंगे, दुनिया दुखी होती है तो जाए भाड़ में, तुम्हारी खुशी संसार पे असर करेगी पुत्र, किसी के आगे जाके रोना रोगे ना पुत्र वो तुम्हारे साथ बैठना बंद कर देगा। कहते दुख बांटने से बढ़ता है, नहीं दुख शेयर करने से और बढ़ेगा, लोग तुम्हें छोड़ देंगे। किसी के पास भी बैठो हैप्पी की बातें करो, मैं बहुत खुश हूँ, मैं कामयाब हूँ, वो तुम्हारे पास बैठेगा, सारा दिन तुम शिकायतें करते रहो वो तुम्हारे पास बैठना छोड़ देगा, वो पहले डिप्रेस है, वो पहले दुखी है, तुम और उसको दुख की बातें कर रहे हो। तो इसलिए अगर कोई दुख हो अंदर ही उसको निचोड़ दो, फाइट करो उसके लिए, नहीं है तो ऑक्सीजन लो, सुबह उठो, प्राणायाम करो, योगा करो, समाधि लगाओ लंबी डीप, थोड़ा बहुत दान भी करो, पैसे भी खर्च करो, कले जिन्हें कि प्राणायाम करने लगे वो ये ऐसा नहीं, त्यागी भी बनना पड़ेगा ना, क्योंकि मुफ्त में तो कुछ भी नहीं मिलना, कुछ चीज़ें हमें ना कपड़े खरीदने हैं वो हमें पैसों से मिलेंगे, पैसे दो कपड़े ले लो, पैसे दो गाड़ी ले लो, पैसे लो ये लो, पैसों से सब कुछ मिलेगा, बीवी चाहिए, पति चाहिए, बच्चे चाहिए, अच्छा उनका रिलेशन चाहिए आपस में अंडरस्टैंडिंग, वो भी पैसों से मिलेगा, यानी अगर पति और पत्नी में अंडरस्टैंडिंग मुक्त में नहीं मिलूगी पैसों से, बच्चे वफादार हों वो पैसे कैसे, वो पैसे दान करने से मिलेगा, खरीदने से कुछ चीज़ें मिलेंगी कुछ दान करने से मिलेंगी, मिलनी पैसों की है, मुगत में कुछ नहीं मिलना, मौत भी वो भी पैसों की ही मिलेगी, जब मरने लगो ना आप तो आपके हाथ लगा के कुछ पैसा दान करना पड़ेगा, ताकि कल ना मरो आज ही मर जाओ, अगर और थोड़ा जिंदा रहोगे पता नहीं कितना पैसा खर्च हो जाएगा तुम पे, ऐसे ही है ना, तो जल्दी जल्दी मर जाओ, जल्दी 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 जल्दी, ताकि वो डॉक्टर ले जाएंगे सारा पैसा, बच्चों के लिए भी छोड़ना, एक बंदा मर गया उस पर 60 लाख रुपए खर्चा आ गया, वो तो मर गया,
वो 60 लाख रुपए उनके बच्चे कर्जा उतारेंगे, उसे क्या पता वो तो मर मुर गया चला गया। तो इसलिए अगर वो पहले दिन ही मर जाता तो 50 लाख तो बच जाना था, वो एक महीना जिंदा रहा, एक महीने में 60 लाख रुपया खर्चा आया। अगर 2-4 दिन और रह जाता तो पता नहीं क्या हो जाता। नहीं, फटाफट मर जाओ, फटाफट जल्दी जल्दी मर जाओ, उसके लिए भी तुम्हें दान करना होगा, राइट? नहीं तो वो छोड़ेगा नहीं, तुम्हें उतना लटका देगा। एक मुझे जाते जाते बात याद आई है, मैं वो भी जरूर धनी है रिश्तेदारों की, पर कभी सुनेंगे तो गाली मुझे बहुत देंगे, पर दुनिया को ज्ञान देने वाली है, समझाने वाली। हमारे एक रिश्तेदार की बुढ़ी थी बीमार, वो बीमार, वो रिश्तेदार हमारे अमेरिका में थे, तो बुढ़ी इंडिया में थी, तो वो बुढ़ी कोमा थे, कोमा में थी कई दिनों से, कई महीनों से। तो फिर पता चला कि वो मरने वाली है, डॉक्टर ने कहा बस ये आज या कल इनका काम। तो उन्होंने क्या किया, वो उधर से सारी फैमिली अमेरिका से, उनकी माँ थी, माँ को उन छोड़ा तो जा नहीं सकता कि दुनिया क्या कहेगी, तो उनका अकेला ही बेटा था, वो फटाफट वहाँ से छुट्टी ली, क्योंकि वहाँ फ़ौरन में छुट्टियाँ मिलती बड़ी मुश्किल है, लिमिटेड छुट्टी मिलती है। मैं जाता हूँ, मैं रहता हूँ, मुझे पता है। तो उन्होंने क्या किया, हमें 1 महीने या 20 दिन की छुट्टी मिली होगी, ये मैं रियल स्टोरी सुना रहा हूँ आपको। तो वो है, अगर मेरे रिश्तेदार सुन लेंगे तो पक्की गात है, आगे मेरी इज्जत वहाँ कम है और हो जाएगी, पर क्या किया जाए, पर मज़ेदार है। तो वो रिश्तेदार क्या था, रिश्तेदार मुझे बाबा तो मानेंगे नहीं, चाहे मेरे पास इलाज है, मुझे पता वो कहाँ मानने वाले हैं। तो वो क्या जो रिश्तेदार था ना, वो सारी फैमिली 20 दिन के लिए इंडिया आई, वो मेरे पास नहीं आई, हल्कि मैं उनके घर से 1 किलोमीटर का अंतर है, वो सीधे आए, अपनी बुढ़ी को उठाया, कभी उस हॉस्पिटल कभी उस हॉस्पिटल भागते गए, कभी इधर कभी इधर कभी इधर, और बुढ़ी मरती मरती बच गई, उमरने का नाम ना ले। देखते देखते वो दिन बीत गए, छुट्टी खत्म होने को आ गई, वो था कि चलो 2-3 दिन में बुढ़ी चल बसेगी, उसका अंतिम संस्कार करने के बाद हम वापस आ जाएंगे। अब बुढ़ी मरने का नाम ना ले, कोमा में थी, बुढ़ी पहचान भी नहीं रही थी किसी को, कौन है मेरा बेटा, कौन है बहू, कौन है वो नहीं पहचान रही थी, बिस्तर पे पड़ी थी। अब प्राण निकलें तो वो जाएं, तो मेरे मैं अब ये डायलॉग बोलने से भी झिझकता हूँ, क्योंकि मेरी बीबी के रिश्तेदार है। तो माता, मैं अपनी बीबी का कहा, मैंने कहा माता जानी 5 दिन रह गए थे छुट्टियों को, मैंने कहा माता वो उन्हें मेरे पास आना पड़ेगा बजाय उधर जाने के, और जब तक मेरे पास नहीं होंगे ये नहीं बनेंगे। तो मेरी बीबी को मेरे बारे में नॉलेज है, मेरे साथ रहती है, वो जानती है मैं कौन हूँ, उसको भी दिमाग में आया। फिर मुझे लगता है कि वो ऐसे तो आने वाले नहीं थे, मुझे पता, मैं उनको जानता हूँ। फिर लगता मेरी बीबी ने चुगली की, उनको रिंग की, प्लीज़ कम, पहले यहाँ आओ, इसी जगह पे मैं बैठा था, यहाँ पे इसी जगह हमन कुंड पर, तो मैं यहाँ बैठा था। वो जब रिंग की तो वो फैमिली आई, यानी 4 दिन रह गए थे उनको वापस जाने के, छुट्टी ख़त्म हो रही थी। जैसे ऊपर आए, आते ही उन्होंने ना, उनके जो जिनकी माँ थी, तो उसने मेरी बीबी ने बताया होगा कि भाई यहाँ भी कुछ ना कुछ करना पड़ता है, तो उन्होंने आगे 5,000 रुपया ना, तो मुझे ऐसे ला के पकड़ाया। तो मैंने यहाँ, पता नहीं संजीव था, पता नहीं मनजीत सिंह था, कौन था, तो मैंने उसको पकड़ाया, मैंने कहा पुत्र इसकी रसीद काट दो। जैसे रसीद कड़ी, बूढ़ी चल बसी। तो अगर वो ना देते, अभी उस बुढ़ी ने 20-40 हज़ार डॉलर और खा जाना था, उनकी नौकरी भी चली जानी थी। सो मेरे कहने का मतलब है पुत्र, कुछ पैसा से चीज खरीदी जाती है, कुछ पैसे दान करके हमें मिलेगी, पैसा खर्च करना पड़ेगा। रोज कुछ ना कुछ करो, ये मत सोचो कि परमात्मा मुफ्त में मिल जाता, राम राम की लूट है, ऐसा कोई लूटो लूट वाली कोई बात नहीं है, ये सब डायलॉग ही है, ऐसे बना दिए लोगों ने। तुम्हें तन भी देना पड़ेगा, मन भी देना पड़ेगा, धन भी देना पड़ेगा, फिर तुम अपनी फैमिली को भी इंजॉय कर सकोगे, पीछे वालों को भी, आगे वालों को भी, हर हालात में तुम इंजॉय कर सकते। मैं ये कर रहा हूँ पुत्र, नहीं तो मैंने ये बॉडी पे बर्दाश्त ना कर पाया तो मैंने ये बोलने नहीं थे। अब मुझे थोड़ा सा बदलने दो, थोड़े समय के लिए चाहो, बाद में मिलते हैं आपको, अभी मैं थोड़ा ड्रेसअप हो जाऊँ। देखो आ गए सब के सब, ठीक लग रहा हूँ मैं, मेरी पाग ढीली है, मैं थोड़ी टाइट कर लूँ अब सब। ओके मैम, ये सामान उठा देता हूँ थोड़ा सा, बाद में करेंगे काम, शाम को करूँगा मैं, अभी ये काम अधूरा है,
बाकी का सिस्टम ये मैं ठीक कर दूँ, शाम को करूँगा। आप जब ये सब चले जाएंगे फिर मैं इसको दीपमाला करूँगा। अभी 20% काम हुआ है, 80% इनके जाने के बाद 3 बजे तक मैं फ्री हो जाऊँगा, उसके बाद फिर इसे कराएंगे। राइट, ओके भी, थैंक यू, मिलते हैं फिर। मेरी पगड़ी ठीक लग रही है सर? 15 मिनट लगे बनने में मैंने। हाँ ठीक लगी पगड़ी मेरी? 15 मिनट लगे बनने में। कभी आ लड़ छोटा हो जाता सी, कभी वो छोटा हो रहा था, आखिर मैंने कामजा भी पा ही ली।